SOP is equal to minus of SRP. तो इसका SRP कितना हो जाएगा? लीजिए भाई, उल्टा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए बस। अगर घर में सरकारी बिजली नहीं है तो आपका एसिड कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है, बिकॉज आपका सेल उस टाइम पे डिस्चार्ज हो रहा है भाई। क्या बात कर रहे हो सर, 9 मार्क्स। हाँ भाई, सिंगल चैप्टर है जो केमिस्ट्री में 9 मार्क्स की वेटेज रखता है। थैंक यू भाई। हाय एवरीवन, दिस इज सुमित, आपके प्यारे केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम बात करें क्लास 12th के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो के बारे में। जी हाँ, इसमें आपको सारी बातें बताऊंगा जो आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में एज वेल एज क्यूट एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिक रहेंगी, ठीक है। साथ में बच्चों आपको मिलेंगे नोट्स जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आओ भाई बात करते हैं, अब मिलके चैप्टर के धागे खोल देते हैं आज, ठीक है। आओ सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर सिलेबस क्या है और इस चैप्टर का वेटेज कितना है अपने पास, ये चैप्टर कितना इज्जत डिमांड करता है, सिलेबस चेक करते हैं पहले। तो ये देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें गैल्वेनिक सेल के बारे में कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, उसका फंक्शन क्या रहेगा, उसका सेटअप क्या रहेगा, बेसिक बेसिक बातें रिगार्डिंग सेल। देन उस सेल के थ्रू हम चलेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आपका मोस्ट इक्वेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर का, उससे न्यूमेरिकल आता ही आता है, फोकस करेंगे इसके ऊपर अपन। ये फर्स्ट पार्ट है, ये चैप्टर आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया मैंने। द फर्स्ट पार्ट इज गैल्वेनिक सेल एंड एप्लीकेशंस, द सेकंड पार्ट इज बच्चों कंडक्टेंस एंड उसका एप्लीकेशन, एंड थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड आपका कोरोजन एंड फ्यूल सेल्स। सेकंड पार्ट क्या है अपने पास? कंडक्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। उसी में पढ़ते हैं कोलरोश लो के बारे में कि कोलरोश लो की जरूरत क्यों पड़ी, कौन था कोलरोश, क्या उसकी बातें थी, सारी बातें, ठीक है। देन हमारा रहेगा बेटा सेकंड एंड लास्ट पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फराडे लॉ एंड फ्यूल सेल्स। अक्सर मैं देखता हूं बच्चे फ्यूल सेल्स को या कोरोजन को या स्केल्स सेल्स को ऑल टुगेदर स्किप कर देते हैं, ये छोड़ो ना सर, जाने दो यार। नहीं भैया, एग्जाम में मेंशन कर रखा है सिलेबस के अंदर और ये पढ़ के जाना है, ठीक है, इस पूरा ही पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और मैं इस वीडियो में सारी बातें कवर करने वाला हूं इन डेप्थ इन डिटेल, यस। अब बात करें वेटेज के बारे में, तो भाई 9 मार्क्स का वेटेज है। क्या बात कर रहे हो सर, 9 मार्क्स। हाँ भाई, ये सिंगल चैप्टर है जो केमिस्ट्री में 9 मार्क्स की वेटेज रखता है, अदरवाइज हर चैप्टर आपका 6, 7, 8 के रेंज में घूमता है। एक लौता चैप्टर है जो 9 मार्क्स डिमांड कर रहा है, मतलब 9 मार्क्स का मतलब बच्चों ये रहेगा कम से कम 3 से 4 सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में, और सीयूटी में अगर आप देखें 3 से 5 सवाल देखने को मिलते हैं टीयूटी के पेपर के अंदर केमिस्ट्री में, 3 से 5 सवाल। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, लेंदी भी है, लेकिन यकीन मानिए बहुत आसान अगर आप इसको तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। इज्जत डिमांड कर रहा है कि सर मेरी इज्जत कीजिए, कोई बात नहीं भैया, डिमांडिंग है, इज्जत मांग रहा है, बाल्टी भर के दे देंगे इसको इज्जत, क्या दिक्कत है हमें इज्जत देने में, तो ना भाई। आओ शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले भाई बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या अपने को चीजें पढ़नी है। भाई इसमें हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। क्या बात करते हैं यहाँ पे बच्चों? इसमें बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा है थर्मो के अंदर कि एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। ये बात तो सही है सर, लेकिन मुझे ये बताओ कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिवाइस कहां से लाओगे आप? भाई आपको केमिकल से इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफॉर्म करना है एनर्जी को, या इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज करना है एनर्जी के फॉर्म को, कहां से करोगे चेंज? कोई डिवाइस तो होना चाहिए, कोई सेटअप आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, तो सेटअप को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो ये वाला काम हमको करके देगा। क्या बात की मैंने? उस सेटअप को बोलते बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो हमें ये वाला काम करके देगा। तो हमें उसी पे फोकस करना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो इस कन्वर्जन को हमें अचीव करके देगा, ठीक है। देखिए ध्यान से आप, हम बेटा बात करते हैं 2 कन्वर्जन के बारे में स्पेसिफिकली। फर्स्ट है बेटा केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, एंड रिवर्स रहेगा बेटा इलेक्ट्रिकल से केमिकल में। क्या हमें एक ऐसे डिवाइस बताइए जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर सके और केमिकल को फर्दर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सके, ठीक है सर, हम ढूंढ लेंगे ऐसे डिवाइस। उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, तो सेल क्या करेगा? मान लीजिए ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो ये क्या करेगा बच्चों? ये दोनों काम करेगा आपके लिए, ये किसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में, और ये इलेक्ट्रिकल को भी कन्वर्ट करेगा केमिकल में। अच्छा जी हाँ, यानी कि ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में, दोनों में कन्वर्जन आपको करके देगा एक ही डिवाइस।
नाम एक है, डिवाइस दो है इसके अंदर. अच्छा, द फर्स्ट पार्ट इज गैल्वेनिक सेल, द सेकंड पार्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. हम दोनों की बात तबीयत से करने वाले हैं, आराम से बैठ के देखिए आप. ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सेल का आपने डिस्टिंग्विश किया कि एक सेल रहेगा आपका गैल्वेनिक, एक रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक. दोनों में फर्क क्या है सर, मुझे बताओ सर. केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कौन सा कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कौन कन्वर्ट करेगा सर? तो मुझे दोनों का सर मुझे आंसर चाहिए. आइए बात करते हैं. तो हमने बात की भाई सबसे पहले किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो कि दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल बोल लीजिए बेटा, या इसी को आप नाम देते हैं डेनियल सेल. डेनियल साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम पे पड़ा ही डेनियल सेल. या इसी को आप बोलते हैं वोल्टेक सेल. सेकंड रहेगा बच्चों आपका कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. द सेकंड सेल इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दो सेल आपके पास है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो डिवाइस होते हैं. द फर्स्ट डिवाइस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द सेकंड डिवाइस इज गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल. अब इन दोनों में क्या फर्क है सर, दोनों में क्या क्या बातें पढ़ने वाले हैं. पहले हम इसको पढ़ने वाले हैं बेटा कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, फिर हम इसकी बात करेंगे. पर अभी के लिए आपको मैं जवाब दे दूं कि भाई आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा बेटा केमिकल एनर्जी में. बहुत बेसिक पॉइंट है, ऑब्वियसली आगे बढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं कैसे कन्वर्ट करेगा. सारी बातें फराड़े के अंदर देखेंगे. तो सर अगर एक डिवाइस हमारा इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गैल्वेनिक क्या करेगा, गैल्वेनिक किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके देगा. यस और नो? तो ये कन्वर्ट करेगा बच्चों आपका बेसिकली किसमें, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये बहुत बेसिक मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के होते हैं अपने पास. फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल, सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. गैल्वेनिक क्या करता है, केमिकल को करता है इलेक्ट्रिकल में, और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करता है बेटा केमिकल के अंदर. कैसे करेगा उसकी बात करेंगे एक एक करके. द फर्स्ट पार्ट इज आपका गैल्वेनिक सेल, हम उसकी बात करने वाले. ये आपके पास सेटअप आपको दिख रहा होगा गैल्वेनिक सेल के बारे में, डिटेल में इसकी बात करते हैं, सारी बातों को इसके फंक्शन को चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा. तो ये बेटा आपके पास गैल्वेनिक सेल, या इसको आप बोलते हैं डेनियल सेल. ये एक डेनियल सेल है बच्चों, मैंने क्या कर रखा है ध्यान दीजिएगा. ये आपके पास एक एनोड है, दिख रहा होगा आपको एनोड, और ये सोल्यूशन भर दिया मैंने किसका, जिंक सल्फेट का. जिंक की एनोड है बेटा, जिंक का ही इलेक्ट्रोड है, और जिंक का ही सोल्यूशन भर दिया मैंने यहां पे, यानी कि जिसका सोल्यूशन है उसी का डंडा ऊपर लगा दिया. अच्छा, तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक का डंडा लगा दिया एस एनोड, और यहां पे आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ऊपर लगा दिया मैंने बेटा आपका कॉपर एज द कैथोड. तो दो बातें आपके सामने आ गई, कौन कौन सी, कि यहां पे कैथोड कौन है, यहां पे कैथोड कौन है बेटा, कैथोड है कॉपर, एनोड कौन है बच्चों, एनोड है जिंक. कैसे पता सर कि जिंक एनोड है कॉपर कैथोड है, देखेंगे आगे. पोटेंशियल बताऊंगा आपको कि पोटेंशियल किसका कितना ज्यादा है, उस पोटेंशियल के हिसाब से हम चेक करते हैं कि कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन सा सेल जाएगा, थोड़े से आगे आएगा डोंट वरी. पहले हम सेल समझते हैं, सेल क्या होता है. तमाशा लगाया आपने पूरा, जी सर. अब क्या होगा भाई, यहां पे आपके पास आ चुका है जिंक प्लस टू आयंस, यहां पे आपके पास आ चुका है कॉपर प्लस टू आयंस. चेक कर लीजिए भाई ध्यान से, यह सुनो, यहां पे आपके पास आ चुके हैं कॉपर प्लस टू के आयंस एंड जिंक प्लस टू के आयंस. साथ में क्या रहेगा, सल्फेट मुफ्त के हैं, पड़े रहेंगे अंदर सल्फेट यहां पे भी अपने पास. कॉपर टू प्लस के अंदर कॉपर की रोड डिप कर दिया आपने, जिंक प्लस टू के अंदर जिंक की रोड डिप कर दिया आपने, फिर वहां से आपका ये केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं. कैसे रहेगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. कैथोड क्या होता है सर, कैथोड और एनोड बेटा टर्मिनल्स हैं. कैथोड वो जगह है जहां पे हमेशा हमेशा रिडक्शन करवाया जाता है, एनोड वो जगह है जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. अब ऑक्सीडेशन क्या हो रहा होगा, रिएक्शन क्या हो रही होंगी उसको देखते हैं. यहां देखिए आप, एट एनोड क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन होगा सर, ऑक्सीडेशन होगा सर, किसका, जिंक आएगा बेटा और जिंक बनाएगा बेटा आपके पास जिंक प्लस टू, और बाहर निकाल देगा दो इलेक्ट्रॉन्स.
यानी कि जिंक के डंडे से दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। अच्छा कहां जाएंगे वो, ये रहे बेटा डुमक डुमक के जाएंगे वो, ये रहे दो इलेक्ट्रॉन्स जो जिंक ने निकाले हैं ऑक्सीडेशन से, और वो इलेक्ट्रॉन्स गर्म गर्म इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैथोड पे। अच्छा तो एनोड से कैथोड पे किसका ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का, ऑपोजिट क्या होगा करंट का, एनोड टू कैथोड क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और कैथोड से एनोड क्या आएगा, करंट आ जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन उल्टा होता है। ठीक है सर, तो किस पे रिएक्शन लिख दी, दिस इज द रिएक्शन एट एनोड। जो इलेक्ट्रॉन्स खाया आपने, इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे आपके पास एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ, एट कैथोड क्या रहेगा सर, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, ये वाली बात हमें ध्यान रखनी है, ऑलवेज कैथोड पे रिडक्शन किया जाता है, चाहे कोई भी सेल हो, गैल्वेनिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, कैथोड पे कौन बैठा हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन्स आ तो गए कैथोड पे, कौन खाएगा, कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस टू बोलेगा भैया गर्म गर्म इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मुझे जाने दीजिए और मुझे अपना चार्ज कम करने दीजिए, मुझे अपना आपको रिड्यूस करने दीजिए, तो सॉल्यूशन में से कॉपर प्लस टू आयन जाएंगे और कॉपर के रोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट मतलब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहां देखिए ध्यान से आप, यहां कॉपर प्लस टू पड़े हुए हैं अंदर, बोलो आए ना, हाँ सर पड़े हुए हैं, तो जैसे इनको खबर मिलेगी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एनोड से, तो ये बोलेंगे कि भाई हमें डिपॉजिट कर दीजिए कॉपर की इलेक्ट्रोड पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इलेक्ट्रोड पे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये आयंस जाएंगे इलेक्ट्रोड की तरफ और वहां जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, कैथोड बन जाएंगे बेसिकली। अच्छा जो कैथोड की स्ट्रिप थी, जो उसके प्लेट थी, वो प्लेट थोड़ी सी मोटी हो जाएगी खा खा के, क्या खा के, कॉपर आयंस कंज्यूम कर करके। अच्छा तो यहां से आपने क्या किया, यहां से आपने जिंक के इलेक्ट्रोड से निकाल दिया जिंक टू पॉजिटिव, कैसे निकाल दिया, बिकॉज यहां पे आपने कर दिया बेटा ऑक्सीडेशन, तो इस डंडे से जिंक टू प्लस निकल के बाहर आ रहे हैं, तो इस डंडे का साइज पतला हो जाएगा बेटा, ओ हो भाई साहब ये कमजोर हो रहा है और ये इलेक्ट्रोड फूल रही है धीरे धीरे, बिकॉज यहां पे कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है सर, ये तो बेसिक क्लियर हो गया हमको, बिकॉज जिंक के डंडे से जिंक प्लस टू निकल के गिर रहा है सोल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग रहे हैं, तो जिंक का डंडा पतला हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओ भाई साहब, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो कॉपर प्लस टू आयंस में से वो इलेक्ट्रॉन्स खाने के लिए जाते डंडे के पास, कि जाएंगे इलेक्ट्रोड के पास, डंडे के पास जाएंगे तो हमें मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, हम कंज्यूम कर लेंगे और हम वापस बन जाएंगे कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी कि आयंस इलेक्ट्रोड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं और यहां पर आपका इलेक्ट्रोड आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो कैथोड आपकी थोड़ी सी ये वाली स्ट्रिप थोड़ी सी मोटी हो जाएगी खा खा के इलेक्ट्रॉन्स, और ये थोड़े से आपके जो एनोड का आपका साइड है ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, आयंस लूज करके इसका मास कम हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, किसका मास कम हुआ, किसका मास ज्यादा हुआ, तो कैथोड की स्ट्रिप या कैथोड का इलेक्ट्रोड बोल लीजिए, उसका मास ज्यादा होगा बिकॉज उस पर आयंस डिपॉजिट हो रहे हैं, और एनोड का मास कम हो जाएगा बिकॉज यहां से आयंस लिबरेट होकर वापस सोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है, ज्यादा मजा मत लीजिए, अभी दिक्कत चालू हो जाएगी। दिक्कत क्या है सर, अच्छा लग रहा है ये तो, भैया अगर जीवन इतना आसान होता तो क्या दिक्कत थी, जीवन में कुछ संघर्ष भी तो है। हाँ सर, 12th क्लास अपने आप में संघर्ष होती है सर, सोचते हैं कुछ अच्छा करें कुछ कर नहीं पाते सर, खैर कोई नहीं, चिंता मत करो, पहले सेल की बात कर लेते फिर आपकी बात भी कर लेंगे। सब कुछ हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो करंट फ्लो करेगा, करंट घूम रहा है तो सर आपका बल्ब जल जाएगा, ये रहा आपका बल्ब जल गया, खुश हो जाओ सर, लेकिन ये तमाशा ज्यादा देर काम नहीं करने वाला, जैसी 5-10 मिनट हुई ये तमाशा खत्म हो जाएगा, इट विल स्टॉप। क्यों सर, क्या हुआ, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये बच्चों कि यहां पे कॉपर प्लस टू के आयंस बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे, तो सल्फेट को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या दिक्कत सल्फेट को, बताऊंगा क्या दिक्कत है, डोंट वरी, पहले सुन लो ध्यान से, और यहां पे जिंक टू प्लस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा ये तो दिक्कत वाली बात है सर, दिक्कत क्या है उसमें, उसकी बात करेंगे पहले। पहले जिंक सल्फेट में एक जिंक के लिए एक सल्फेट अवेलेबल था, समझ लो ध्यान से, पहले बता रहा हूं मैं, ये सारी बातें काम आएंगी अपने को इसलिए बता रहा हूं। एक जिंक के लिए एक सल्फेट अवेलेबल है जिंक सल्फेट के अंदर, और कॉपर सल्फेट में एक कॉपर प्लस टू के लिए एक सल्फेट अवेलेबल है ताकि चार्ज बैलेंस हो सके। हाँ ये बात तो सही है सर, आपका सोल्यूशन मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसका चार्ज बैलेंस होना चाहिए,
तो जितने जिंक 2 प्लस होंगे उतने सल्फेट भी होंगे, जितने कॉपर प्लस 2 होंगे उतने सल्फेट भी होंगे, लेकिन 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 चूंकि यहां एक्स्ट्रा जिंक आ रहे हैं, अगर मुझे बताओ एक्स्ट्रा जिंक यहां आएंगे तो यहां पे जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू, जिंक 2 पॉजिटिव का नंबर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर, यहां से कॉपर प्लस 2 सोल्यूशन से जा रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड, तो कॉपर प्लस 2 की वैल्यू, आयंस की वैल्यू, नंबर ऑफ आयंस ऑफ कॉपर प्लस 2 इस सोल्यूशन में डिक्रीज करेगा। सही बात है सर। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यहां पे कटायन की वैल्यू बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेस जिंक 2 प्लस, और यहां पे अनायन की वैल्यू बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सेस सल्फेट आयन। अच्छा, और फिर आपका सेल काम करना बंद कर जाएगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे सर बताओ, अब करेंगे हम यूज करेंगे भाई इस बीच वाले मामले को, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ब्रिज यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज। इसका फंक्शन बताऊंगा मैं, पहले तो सुन लीजिए पूरी स्टोरी को, अगर स्टोरी याद रहेगी तो बड़े से बड़ा सवाल बना दोगे, इसलिए बता रहा हूं मैं। हमारा सेल बंद हो चुका है, बंद क्यों हुआ आपको बता दिया मैंने। अच्छा, बिकॉज ऑफ एक्सेस जिंक 2 प्लस कटायन एंड एक्सेस सल्फेट, सल्फेट तो उतने ही थे लेकिन कॉपर प्लस 2 कम हो गया तो सल्फेट ज्यादा हो गया बेसिकली। अब क्या करेंगे सर, अगर ज्यादा आयंस बनेंगे बेटा तो अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे बिकॉज सल्फेट कह रहे हैं भाई जिंक भाई आप बहुत ज्यादा हो चुके हो, मैं बहुत कम हूं, अगर आप और जिंक बनाते रहोगे तो हमारा सोल्यूशन का चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड सोल्यूशन मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिमिलरली यहां इश्यू है, यानी कि चार्ज आपका आना स्टार्ट हो गया, एक्सेस चार्ज आपका बनना स्टार्ट हो गया सोल्यूशन के अंदर, जो कि फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को निकलने से बंद कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे तो करंट बहना बंद, करंट बहना बंद तो काम खत्म हो गया भैया आपका काम। लेकिन हम कुछ तो करेंगे सर, हाँ लगा दिया आपने ब्रिज, ब्रिज में आपने भर दिया कोने को पेस्ट, कोने को सोल्यूशन, कोने को इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए मैंने इस ब्रिज के अंदर भर दिया बेटा KCl, कौन सा भरा KCl, ठीक है सर, K प्लस एन सी एल माइनस, मैंने ब्रिज के अंदर बेटा इस ब्रिज में भर दिया मैंने KCl का पेस्ट बना के भर दिया। KCl मतलब इट इज अ सिंपल सॉल्ट, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट। उससे क्या होगा सर, अब ध्यान दीजिए आप, जैसे ही इसको फील हुआ कि यहां पे जिंक 2 प्लस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कटायन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यहां से Cl माइनस, यहां से इस ब्रिज से बेटा Cl माइनस ठुमक ठुमक के यहां आ जाएगा। अच्छा, उस एक्सेस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज अनायन आएगा। यहां जैसे ही खबर मिली कि सल्फेट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो सल्फेट माने नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो चुका है, तो नेगेटिव चार्ज को दबाने के लिए आपका यहां से पोटेशियम चल पड़ेगा इस तरफ, इस बीकर में, ताकि एक्सेस चार्ज को बैलेंस कर सके। और जैसे ही एक्सेस चार्ज बैलेंस होगा दोबारा से तमाशा चालू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने का और करंट बहने का, दोबारा आपका बल्ब जल पड़ेगा, आप खुश हो जाओगे। यानी कि सॉल्ट ब्रिज ना हो तो ये तमाशा ज्यादा देर काम नहीं करेगा, ये बात हम समझ चुके हैं। उसको फर्दर समझेंगे नेक्स्ट पेजेस के अंदर कि व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पर आई होप आपको इसका सेटअप, इसका मैकेनिज्म क्लियर रहेगा। अब ये कॉपर का सेल है, ये जिंक का सेल है, इस सेल से बेटा आपको मिलती है वोल्टेज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ बोलते हैं उसको बेसिकली। और जो डैनियल सेल है बेसिकली, इसको बोलते हैं डैनियल सेल, कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के अंदर बच्चों आपको जो मिलती है वैल्यू पोटेंशियल की, वो बेटा आपको मिलती है लगभग 1.10 वोल्ट। यानी कि यहां से जो आपको वोल्टेज मिल रही होगी ना बेटा, वो वोल्टेज की वैल्यू 1.10 वोल्ट। यानी कि केमिकल एनर्जी को आपने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और काफी अच्छी खासी आपको वैल्यू मिल रही है, आपने कुछ नहीं किया। दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी आपको मिलेगी, उस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं इस डिवाइस के थ्रू किसमें, अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल के अंदर बेसिकली, जिससे आप बल्ब वगैरह यूज कर सकते हैं। आई होप आपको सेटअप यहां तक क्लियर होगा। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए ताकि रिएक्शंस के बारे में, इनके बारे में हम आगे बात कर सकें। यस, अब ध्यान से देखिए आप, अब बात करते हैं ध्यान से देखिए बच्चों आप सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था। हम समझ तो गए थे कि भाई वो कुछ तो कर रहा सर बढ़िया काम, कुछ तो उसने बढ़िया काम किया था सर हमारे लिए, KCl डाला आपने उसके अंदर, बड़ा मजा आया सर। लेकिन ठीक है, समझते पहले क्या रहेगा। सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, ये एक बेटा इस शेप का ट्यूब होती है, इट इज द इन्वर्टेड यू ट्यूब
आप बोल सकते उसको आप, इट इज इन्वर्टेड ट्यूब लाइक अ यू ट्यूब बेसिकली। अच्छा, और यहां बीकर है, यहां बीकर है, उसमें जा रहे, समझ गए आप? हाँ सर, आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहां पे इस ब्रिज के अंदर बेटा हम भर देते हैं पेस्ट। किसका पेस्ट भरते हैं? पेस्ट भरते बेटा अगर अगर प्लांट का, अगर अगर प्लांट होता है बेसिकली, प्लांट का नाम है ये, तो अगर अगर प्लांट का बेटा हम इसके अंदर पेस्ट भर देते, जेल जेल बना के, जेल लाइक हम एक पेस्ट बना के भर देते हैं बेसिकली, मतलब सोल्यूशन नहीं होता, वो पेस्ट बन जाता है बेसिकली। प्लांट यूज करते हैं अगर अगर प्लांट बेसिकली, और पेस्ट के साथ हम भरते बेटा इसके अंदर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, दैट विल बी KCl और KNO3 और अमोनियम नाइट्रेट लाइक दिस। ऐसे दो तीन, इनमें से कोई भी आप फिल कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो KCl हो, चाहे वो KNO3 हो, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट हो। सर यही क्यों भरे आपने, कुछ और क्यों नहीं भरा? वैसे बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दूंगा फिर भी, डोंट वरी, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, ये तो आपने भर दिया, अब क्या होगा यहां से? के प्लस या सीएल माइनस, के प्लस NO3 माइनस, अमोनियम प्लस NO3 माइनस, यानी कि कटायन आयन मिल चुके आपके पास। जैसे ही बीकर में कुछ एक्सेस होगा कटायन का, ये एक्सेस होगा अनायन का, आपके कटायन से अनायन चल पड़ेंगे यहां से, क्योंकि खबर मिल जाएगी भाई कि हाँ मामला गड़बड़ हो चुका है, तो ये एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो पहला फंक्शन जो आपके पास रहेगा सॉल्ट ब्रिज का, इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस चार्ज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस चार्ज टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो लिखें उस बात को। आइए, तो पहला फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस चार्ज। और बोर्ड एग्जाम में अगर डायग्राम आता है बेटा, तो बोर्ड एग्जाम आपको पूरा सेल बनाना है, सॉल्ट ब्रिज का डायग्राम कुछ नहीं होता, पूरा सेल का डायग्राम होता है, उसमें ब्रिज शो कर दीजिएगा आप, का हीरो बन जाओ, ये बना के आ जाओ, ये कुछ नहीं है, तो समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, डायग्राम वो सेल का बनेगा हमेशा। ठीक है, इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस चार्ज टू मेंटेन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बेसिकली, क्या यानी कि आपका चार्ज मेंटेन रहे, इसलिए आप ये वाला काम कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन आपने पास है किसका? सॉल्ट ब्रिज का। अब आपने सर KCl यूज क्यों किया? आपने सर ये NaCl यूज क्यों नहीं किया? इसमें क्या दिक्कत है बेटा? हम वो चीज यूज कर रहे हैं, हम वो आयंस यूज कर रहे हैं, हम वो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं बेसिकली, कौन सा? जिसके अंदर कटायंस और अनायंस की स्पीड बराबर हो। ऐसा ना हो कि कटायन तो पहुंच गया, अनायन नहीं पहुंचा। यहां पे हम चाहते हैं कि कटायन और अनायन जो भी है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उनकी स्पीड बराबर हो। दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब स्पीड इन द सोल्यूशन, स्पीड इन द एक्वस सोल्यूशन बेसिकली। ऐसा ना हो कि सीरम माइनस पहुंच चुका है और Na प्लस पूछ रहा है जाऊं ना जाऊं, वेट कर रहा है वो। नहीं, हम चाहते हैं कि दोनों आयंस की स्पीड सिमिलर हो, ताकि दोनों एक तरफ से पहुंचे और एक साथ चार्ज को मेंटेन कर सके। सो इसलिए हम कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड यूज करते हैं लाइक KCl, KNO3 या अमोनियम नाइट्रेट, बिकॉज उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होते हैं। कंडीशन कौन सी अपने पास? कि स्पीड या मोबिलिटी ऑफ कटायन मस्ट बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ अनायन। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं अपने पास, अब आगे आपके पास चैप्टर के अंदर सेल पोटेंशियल, आप इसी की बात कर रहे हैं। हम केमिकल को कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो एक पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल को हम यूज करेंगे टू कन्वर्ट इनटू सम अदर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई उसको हम किसी बल्ब के लिए यूज कर सकते हैं या किसी और पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं, कुछ भी। यानी कि आपके पास एक पोटेंशियल आ चुका है, वो पोटेंशियल क्या होता है, कैसे मिलता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले बता रहा हूं मैं। आइए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, व्हाट इज सेल पोटेंशियल? होता है क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे ना, तो आप, मैं दिखाता हूं थोड़ा सा आपको। यस, मान लीजिए ये एक बीकर मान लीजिए, ठीक है, और बीकर आपने भर दिया, मान लीजिए जिंक
सल्फेट, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी आयन का सोल्यूशन अपने पास। इसमें आप डिप कर देंगे बच्चों जिंक की इलेक्ट्रोड। अच्छा, जिंक सोल्यूशन में जिंक की ही इलेक्ट्रोड डिप कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड और उसका आयन कॉमन होना चाहिए आपके पास, यानी कि जिंक है और यहां पे जिंक 2+ का सोल्यूशन आपके पास आ रहा है, तो क्या रहेगा इनके बीच में बेटा आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा इनके सरफेस के बीच में। ये अपने पास आयन से, बोलो आयन, यहां अपने पास आयन से, यस बेटा। तो ये जो बेटा अपने पास आयन है ना यहां पे, जिंक 2+ के आयन है और ये जिंक की रोड है, तो इनके बीच में एक, इसके बीच में एक इंटरफेस में, बाउंड्री में एक पोटेंशियल बनना स्टार्ट हो जाएगा अपने पास, उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगा इसके अपने पास, द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड रह सकती है किसी भी मेटल की, और उसी का सोल्यूशन होना चाहिए बेटा, एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स अपने पास एक्वस सोल्यूशन, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिफरेंस, आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिफरेंस आप कह सकते हैं यहां पे यहां जिंक 2+ के आयन्स है, यहां जिंक 2+ के एक्सेस आयन्स है, और यहां ये जिंक की रोड है बेटा, यानी कि वहां पे एक इंटरफेस बन जाएगा आपके पास जिंक और जिंक 2+ आयन के बीच में, तो वहां दैट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल विल बी डेवलप्ड, उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल या EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नाम कुछ भी दे लीजिए, मीनिंग एक रहेगा अपने पास, ठीक है। अच्छा, अभी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं बेटा पोटेंशियल, अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, क्यों सर भाई, हो सकता है यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, हाँ है ना, यहां पे हो सकता है ऑक्सीडेशन के थ्रू पोटेंशियल आ रहा हो, या हो सकता है यहां पे रिडक्शन के थ्रू पोटेंशियल आ रहा हो, बिकॉज हो सकता है कि यहां पे रिडक्शन हो रहा हो या ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मुझे तो नहीं पता, यानी कि आपके जो पोटेंशियल है वो दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं आप, आइदर रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिएगा आप, यानी कि जो आपका EMF है वो दो प्रकार से आ सकता है, दो टाइप्स आप निकाल सकते हैं उसको बेटा, द फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द सेकेंड कैन बी रिडक्शन पोटेंशियल। हो सकता है ऑक्सीडेशन के थ्रू आप चेक करो पोटेंशियल को, या किसी रिडक्शन के थ्रू आप चेक करोगे पोटेंशियल को, दो टाइप के हो सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, पर हमें अभी बात करनी है स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड पोटेंशियल के बारे में, कि व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा कुछ खास फर्क नहीं है, स्टैंडर्ड माने आपने जो कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशंस, कंसंट्रेशन है, जो आपके पास टेम्परेचर है उसको आपने फिक्स कर दिया है, कंसंट्रेशन को आपने 1 मोलर मान लिया है और टेम्परेचर को आपने मान लिया 298 केल्विन, तो उस मोमेंट पे जो आपके पास पोटेंशियल आएगा उसको बोल देंगे आप E0, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड EMF। सिंबल क्या होगा उसका बच्चों, सिंबल हो जाएगा E0, इस प्रकार से ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे अपन, फर्स्ट रहेगा बच्चों इसका SOP और इसका रहेगा भाई साहब SRP। अच्छा, सुना होगा आपने SRP SOP, तो व्हाट इज SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हमें बेटा सेल्स का SOP SRP चाहिए होता है ताकि हम पोटेंशियल निकाल सकें और चैप्टर में आगे मूव कर सकें, लेकिन वो पोटेंशियल के लिए आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड पता होना चाहिए कि मेरे सेल का, या फिर पोटेंशियल के लिए मुझे एक रेफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज ये वैल्यू दे आर नॉट एब्सोल्यूट वैल्यूज, दे आर रिलेटिव वैल्यूज, किसी इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के इनकी वैल्यू निकाली गई है, उसकी बात हम करने वाले हैं कि व्हाट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड और कैसे रेफरेंस के थ्रू इनकी वैल्यूज को निकाला गया होगा इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी बस आप बेसिक समझ लीजिए कि भाई पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, SOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड SRP दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल, का इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं, कैसे करेंगे यहां ध्यान दीजिए आप, अभी ध्यान दीजिए बच्चों आप यहां पे सपोज आप यहां देखिए जिंक
जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। गैल्वेनिक सेल के अंदर, डैनियल सेल के अंदर ये रिएक्शन हो रही थी, हाँ सर, कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेगा, कॉपर बनेगा सर। ये दोनों रिएक्शन होते अपने पास, ये एट एनोड ये एट कैथोड। तो मुझे खबर मिली कि भाई जिंक का जो सेल है उसका जो एसओपी या एसआरपी है वो मुझे पता है, वो मुझे पता चल गया। वैसे ही मुझे कॉपर का भी एसओपी या एसआरपी पता चल गया मुझे। अच्छा, जिंक का जो मेरे पास वैल्यू आई बेटा इनोट की, वो आएगी -0.76। एग्जाम में गिवन होती है पर मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं वोल्टेज। और कॉपर की जो बेटा वैल्यू आएगी वो आएगी +0.34 वोल्टेज। ये सारी वैल्यूज आपके पास आती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि इन वैल्यूज को इस्तेमाल कैसे करना होता है, बिकॉज आगे हम वही करने वाले चैप्टर भर के अंदर। तो ये इनोट है, दोनों ही क्या है, दोनों ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल है अपने पास, ये कॉपर का और ये जिंक का। पर ये दोनों पोटेंशियल कौन से है सर, ये दोनों ऑक्सीडेशन वाले हैं या दोनों रिडक्शन वाले हैं, ये दोनों ही एसआरपी हैं। क्या बोला मैंने, दोनों ही एसआरपी हैं, दोनों ही एसआरपी हैं। अब यहां डाउट बच्चों को आता है कि सर ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका तो एसओपी होना चाहिए। नहीं, एसओपी एसआरपी सबके लिए हो सकता है, आप इसको उल्टा कर दो, इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है, इट विल बिकम रिडक्शन। तो वैल्यू तो एसआरपी हो सकती है या एसओपी दोनों हो सकते हैं बेटा, रिएक्शन तो आपके हाथ में, डिपेंडिंग ऑन द सेल। किसी सेल में जिंक एनोड है, किसी और में इट विल बिकम कैथोड। तो फिर तो दोनों वैल्यू आप यूज करेंगे, एसआरपी भी एसओपी भी, बिकॉज फंक्शन क्या दोनों का, ये फंक्शन है। इनोट एसआरपी इज नथिंग बट माइनस इनोट एसओपी, बस ये वाली बात अगर खबर है आपके पास कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली, आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं एसआरपी को एसओपी के अंदर। मैं कहूंगा हमेशा कि आप एसआरपी को चेक कर लें, एसआरपी के थ्रू रास्ता आसान हो जाता है। सारी बात समझाऊं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये इस जिंक का जो अपने पास रिएक्शन हो रही है इसका एसआरपी इतना है और कॉपर का बेटा आपके पास एसआरपी इतना है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन का वोल्टेज बताइए कितना आएगा, तो सर इसका वोल्टेज आपने निकाला था, आपने वोल्टेज निकाला था इसका 1.10 वोल्ट। सर ये कैसे आया सर, मुझे बताइए सर, ये 1.10 कैसे आया सर, प्लस करके आया माइनस करके आया कैसे आया सर। इसी की बात करने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जब हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो वैल्यू आपके सामने आना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने को सिर्फ आइडिया दिया मैंने आपको कि इनोट एसआरपी एसओपी हम कैसे अभी यूज करने वाले थोड़ी देर के अंदर, ध्यान दीजिएगा ठीक है। अब आइए आप पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को अगर आप समझ के रिप्रेजेंट करना तो फिर धड़ल्ले से आप निकाल लेंगे उसका इनोट कितना होता है। आप देखिए, आप सेल कौन सा था आपके पास, सर मेरे पास था डैनियल सेल। सेल बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे लिखेंगे ए, यहां आएगा ब्रिज, यहां आएगा सी। ब्रिज माने कौन सा ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज की बात कर रहा हूं बेटा। अच्छा, ए स्टैंड फॉर एनोड, एनोड टर्मिनल, सी स्टैंड फॉर कैथोड साइड, ठीक है सर। तो ये हमारी आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन है, किसकी, किसी भी गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन अपने पास आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ चुकी है। एनोड, फिर ब्रिज, फिर कैथोड। सर कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, यहां देखिए आप, मुझे बताओ डैनियल के अंदर क्या था। सर डैनियल के अंदर अपने पास जिंक और कॉपर का सेल था सर, जिंक था एनोड पे और कॉपर था आपका कैथोड पे बेसिकली। तो ये आएगा उसका रिप्रेजेंटेशन, जिंक सॉलिड स्लैश जिंक आयन एक्वस। आपको फेज मेंशन करनी है कि लिक्विड स्टेट है कि कौन सा स्टेट है, आपको फेज मेंशन करने पड़ेंगे बेटा। ब्रिज आया यहां पे, कॉपर प्लस टू एक्वस, देन कॉपर सॉलिड। ये रहा आपका पहल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, दिस इज फॉर योर, दिस इज फॉर योर बेसिकली किसके लिए बच्चों, ये आपका है डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन, एक बार चेक कर लीजिए। तो कैसे कर दिया आपने ये चीज, ये सिंगल डंडे क्या बता रहे हैं, ये डबल डंडा क्या बता रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज सर, ये तो ये एनोड साइड है, ब्रिज कैथोड साइड है बेसिकली। हमेशा ब्रिज के आसपास बेटा हमेशा आपके आयंस आ रहे होते हैं, ब्रिज के आसपास हमेशा चिपक के आयंस आएंगे,
तो मुझे बताओ कैथोड पे कौन सा आयन था, कॉपर प्लस टू, एनोड पे कौन सा आया था, जिंक प्लस टू, तो ब्रिज के हमेशा आसपास आयन्स आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जिंक प्लस टू का आयन आ गया एनोड वाला, कॉपर प्लस टू का आयन आ गया अपने पास कैथोड वाला, आयन्स आपके पास इसके पास चिपक के आ जाएंगे। अब देखिए ये सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस मतलब लिक्विड है, यानी कि फिजिकल स्टेट आपका चेंज हुआ है। अगर स्टेट या फेज आपका चेंज हुआ है तो उसको आप सिंगल डंडे से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको सिंगल डैश लाइन से आप उसको सिंगल लाइन से उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अच्छा, सिमिलरली यहाँ कॉपर प्लस टू एक्वस फॉर्म में है, यहाँ सोलिड फॉर्म में है, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोड विच इज मेड अप ऑफ कॉपर सोलिड, तो क्या रहेगा, अगेन डंडा आ जाएगा। अच्छा, तो सिंगल लाइन स्टेट बदल रही है, फिजिकल स्टेट को चेंज कर रही है, और डबल लाइन आपका कैथोड को एनोड से अलग कर रही है, एनोड ब्रिज कैथोड बेसिकली ऐसे। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है सर। हाँ, एक और करें, एक और देखो ध्यान से। आप मान लीजिए आपके पास ये वाला सेल गिवन है एफ थ्री प्लस एफ जिंक टू प्लस जिंक, ये वाला सेल गिवन आपके पास जिंक टू प्लस जिंक एफ थ्री प्लस एफ। अभी हमें नहीं पता कि कैथोड पे कौन जाएगा ये एनोड पे कौन जाएगा, बिकॉज उसके लिए मुझे एस आर पी एसओ भी पता होना चाहिए, सवाल में जाओगे तो हम बता देंगे, बात करेंगे भी आगे चल के। पर अगर मुझे इस सेल को रिप्रेजेंट करना हो, एज्यूम ये कर रहा हूं मैं खुद एज्यूम कर रहा हूं कि ये एनोड है बेसिकली, और बच्चों ये जाएगा कैथोड की तरफ, ये कैथोड बनाएगा और वो बनाएगा हमारा एनोड, ये हमने एज्यूम कर लिया अभी के लिए बेसिकली, चल जाएगा ठीक है सर, बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मुझे इस सेल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करूंगा मैं रिप्रेजेंट, करके देखें, एनोड ब्रिज कैथोड, एनोड पे कौन है अपने पास, जिंक आ जाएगा दोबारा से, जिंक सॉलिड फेस चेंज किया जिंक टू प्लस एक्वस, ये हो गया आपका एनोड कंप्लीट, ब्रिज आ जाएगा, ब्रिज के आसपास कौन से आते हैं, आयंस आते हैं, आयंस कौन है, एफ थ्री प्लस आपका आयन है, अच्छा एक्वस स्लैश फेस चेंज एफ सॉलिड। इस प्रकार से आपको किसी भी सेल का आप आराम से सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो जो बोर्ड में सिंगल मार्क्स का आजकल आ रहा है, पहले बता रहा हूं मैं, सेल दिया होता है या सेल इस फॉर्म में दिया होता है, काम सारे कराएगा आपसे वो, तो ऐसे देके सेल की रिएक्शन लिखवा लेगा आपसे, फिर रिएक्शन बताइए कैसे लिखेंगे, ऐसे देके आपसे सेल का पोटेंशियल निकलवा लेगा कि इसका पोटेंशियल कितना आने वाला है, ठीक है। अच्छा, पहले आप सेल को समझ लो कि सेल का मीनिंग क्या है, ये एनोड हाफ है और ये कैथोड हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डन है। चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान से, आप एस आर पी एस ओ पी निकालने से पहले हमें ये तो पता हो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा अपने पास, हम किस इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम सारी वैल्यूज को निकालते हैं, चाहे वो एस ओ पी की हो चाहे वो एस आर पी की वैल्यू हो, वो सारी वैल्यूज निकलेंगी यूजिंग सम रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज शी, शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, शी हो जाएगा बेटा, लिखा भी हुआ है एस एच स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि हमारा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेटा, जो कि अपने पास है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा, तो कैथोड की एनोड है कुछ मान लो, आपकी इच्छा है, इसको कैथोड मानोगे तो उसका पड़ोसी क्या बन जाएगा, एनोड, इसका एनोड मानोगे तो उसका पड़ोसी क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा, तो रेफरेंस है, तो आप कहीं मान लीजिए फर्क नहीं पड़ने वाला, कहीं मान लीजिए, क्यों, इसकी वैल्यू हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं, तो चाहे वो कैथोड पे हो जीरो या एनोड पे हो जीरो, क्या फर्क पड़ता है, यस और नो। अच्छा, कैसे सर, सेटअप क्या रहेगा इसके अंदर, आप ध्यान से देखिएगा बेटा, इसके अंदर यूज करते हैं एच टू गैस को, अच्छा, एट 180 प्रेशर, और यहां सोल्यूशन भर देते हैं किसका, एच सी एल का, किसका बेटा, एच सी एल का, ठीक है सर, यानी कि यहां पे आपके पास आ चुके हैं H प्लस से खूब सारे आयंस, किसके आयंस, H प्लस के आयंस, ठीक है सर, यानी कि यहां पे सॉल्यूशन के अंदर H प्लस है और बाहर से H2 गैस को आप बाहर से डाल रहे हो इस मीडियम के अंदर, तो सेटअप क्या है सर अपने पास, ये लगा दिया आपने एक वायर, दिस इज प्लेटिनम वायर, दिस इज प्लेटिनम वायर, क्यों सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी मुझे बताओ, इस H2 गैस को यहां कैरी करना है, उस H2 गैस को वहां लेके जाना है आपने, ठीक है, यानी कि आपने यहां से H2 गैस को डाल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कौन करेगा,
भाई जिंक था, कॉपर था, तो एक डंडा था उनके पास, दे हैव सम सॉलिड इलेक्ट्रोड ताकि इलेक्ट्रॉन्स आए या जा सके। हाँ सर, पर H2 गैस है, H+ तो आयन है, तो कोई मीडियम तो चाहिए मुझे कि मैं इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा सकूं। हाँ सर, वी नीड टू हैव सम इलेक्ट्रोड ताकि हम उसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर सकें। जी सर, या तो ऑक्सीडेशन से या रिडक्शन से। तो वो इलेक्ट्रोड के लिए मैंने इस्तेमाल किया है पीटी वायर को, प्लेटिनम को। पीटी इस्तेमाल क्यों किया? बिकॉज पीटी अच्छा है, मजा आ रहा है, महंगा है, क्या दिक्कत है, ये सब तो ठीक है, लेकिन इट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड बेटा। पीटी वायर इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने और लाने का काम करेगा, ये खुद किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, तो बस वह इलेक्ट्रॉन्स को लाने या ले जाने का काम करेगा ताकि हम रिएक्शन को करवा सकें, हम सेल को बना सकें। ठीक है सर, बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। अब कैसे रहेगा ध्यान दीजिएगा, ये H+ है और यहां पे H2 है। मान लेता हूं, मैं फिलहाल मान लेता हूं कि ये सेटअप कैथोड की तरफ जा रहा है, मान लेता हूं कि ये सेटअप फिलहाल कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? कैथोड को। कुछ मान लीजिए आपकी इच्छा, मैं मान लेता हूं कि फिलहाल ये कैथोड की तरफ है। कैथोड पे क्या होता है सर? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हुआ करता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन हुआ करता है। अच्छा, कैसे होगा सर? आपके जो H+ आयन्स है ना सर, जो एक्वस का पार्ट है, ये आएंगे और ये खाएंगे गर्म गर्म इलेक्ट्रॉन्स और हो जाएंगे रिड्यूस, बनाएंगे H2 गैस। अच्छा, एट कैथोड ये आपके पास रहेगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। कैसे? कैसे सर? ये जो गर्म गर्म H+ आपके पास पड़े हुए हैं, इसके अंदर बेटा ये लोग क्या करेंगे, जैसे खबर मिलेगी इनको कि भाई पीटी वायर आ चुकी है, तो क्या करेंगे ये, उस वायर पे जाके, उस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ये कैथोड पे है और कहीं एनोड से इनके पास क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का गर्म गर्म फ्लो आ रहा होगा। अच्छा, समझ गया मैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आ रहा है बिकॉज इट इज एट कैथोड। अब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डंडे के ऊपर, तो डंडे के ऊपर जाने के लिए सोल्यूशन क्या करेगा, अपने आयन्स को डंडे के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। तो आपके आयन्स जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स खाने के लिए डंडे के ऊपर, दे विल रिड्यूस टू फॉर्म एच टू गैस। तो यहां पे एच टू गैस और एच प्लस आपको पहचानना है कि एस एच ई के अंदर दो कॉम्पोनेंट है, एक एच प्लस, अब एच प्लस एच सी एल से आ रहा होगा, एच टू से फोर से आ रहा होगा, एच एन ओ थ्री से आ रहा होगा, कहीं से आ सकता है, एच प्लस होना इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आए एच प्लस, यानी कि एच प्लस आना चाहिए और एक एच टू गैस का आपके पास फ्लो होना चाहिए। अच्छा, एट कैथोड ये सेटअप है, अगर मैं इसको मान लेता हूं एट एनोड तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना आपको, वहां पे H+ बन रहा होगा, वहां पे एट एनोड H+ बन रहा होगा, एट कैथोड H2 गैस बन रही है, तो बस H2 गैस और H+ का यहां पे चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन आप देखने को मिलेगा। तो जैसे आपके सामने SHC आए, SHC के पास एक छोटी पहचान है बेटा कि आपको एक H2 गैस देखनी चाहिए और साथ में आपको H+ नजर आना चाहिए। अगर ये नजर आ रहा है, समझ जाना वो मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस प्रकार से, और उसकी रिएक्शन ये रहेगी एट कैथोड, इसको उल्टा कर दोगे दैट विल बी एट एनोड। तो कम से कम ये चीज आपको एकदम दिमाग में फिट होनी चाहिए कि ये सेल क्या है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है। रेफरेंस का मतलब क्या है? रेफरेंस का मतलब ये है कि इसका जो वोल्टेज है बेटा, इसका जो वोल्टेज है अपने पास, चाहे वो एसआरपी बोल लीजिए आप कैथोड पे, या एसओपी बोल लीजिए, या सॉरी आप इसका एसओपी बोल लीजिए, दोनों की ही वैल्यू बेटा आपने क्या मान रखी है, जीरो वोल्ट मान रखी है। तो इसको जीरो मान के बाकी सभी सेल्स की जानकारी, उन सभी का एसआरपी एसओपी आप निकाल सकते हैं। सपोज आपको जिंक टू प्लस और जिंक के चाहिए वैल्यू, कि जिंक और जिंक टू प्लस की क्या वैल्यू है एसआरपी एसओपी की, तो एक तरफ रखेंगे आप इसको कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ, आपकी इच्छा है, एक तरफ आप रखेंगे जिंक वाले सेल को। अच्छा, और तमाशा चालू करेंगे, तमाशा चालू करोगे तो आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, आपके पास आ जाएगा इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस रिएक्शन होने के बाद। इसकी वैल्यू जीरो है तो जो डिफरेंस आ रहा होगा ना वो वैल्यू जिंक की रहेगी। तो कंपेयर कर लिया आपने, रेफरेंस निकाल लिया, आप ऐसे निकालते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए, तो दिस वॉज आवर रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हम सारी बातों को समझ सके। अब हम बात करेंगे भाई व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। यस,
ये है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपकी एनसीईआरटी मेथड गिवन भी है, लेकिन एक बार मैं समझा दूंगा तो कोई डाउट आपको नहीं बचने वाला, यहां ध्यान दीजिए आप। इस सीरीज में क्या बातें याद करनी है सर? कुछ याद नहीं करना आपको, कुछ ऑब्जर्व करना है बस आपको, कुछ बातों को बस ऑब्जर्व कर लीजिए, कुछ याद नहीं करना, ना याद करना है ना हम करेंगे याद कभी, बस ऑब्जर्व करेंगे कुछ बातों को। सबसे पहले आप देखिए कि आपका रेफरेंस कहां पे है। सर ये रहा मेरा रेफरेंस, सर ये रहा मेरा रेफरेंस, दैट इज SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कितना वोल्टेज है इसका? जीरो वोल्टेज है इसका अपने पास, देख लीजिए आप जीरो। अच्छा ये क्या दिखा रहे हैं? ये आपके पास वोल्टेज दिखा रहे हैं, इस तरफ ऊपर कुछ सेल्स हैं, नीचे कुछ हाफ सेल्स हैं, इन सभी हाफ सेल्स का आपके पास कुछ वोल्टेज आपके सामने आ रही है। जैसे कि अगर F2 रहेगा, F2 से आप बनाएंगे F- तो कितनी वोल्टेज है? 2.87 वोल्टेज है। अच्छा धीरे नीचे नीचे आ रहे हैं, क्या हो रहा है? वोल्टेज आपकी कम होती जा रही है, कितना? जीरो आ गया, और जीरो के बाद क्या हो जाएगी? इट विल बिकम नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा यानी कि पहले आपकी वोल्टेज हाईएस्ट थी और आपकी वोल्टेज अभी क्या जीरो आके, जीरो के बाद नेगेटिव जा रही है अपने पास। नीचे आके मेटल्स आएंगे, लिथियम सोडियम अल्कली मेटल्स। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स बहुत शानदार रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब वो बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अच्छा यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास आ गया लिथियम, तो लिथियम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने की, यानी कि इसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन होने की, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसके ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली किसी भी मेटल के बेटा ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है बजाय रिड्यूस होने की। अच्छा और किसी भी नॉन मेटल की जनरली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा होती है, यानी कि मान लीजिए फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कुछ भी करेगा लेकिन वो खाएगा ही इलेक्ट्रॉन्स को, इट विल कंज्यूम इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि खाना मतलब क्या हो गया? रिड्यूस हो गया सर, रिडक्शन हो गया, यानी कि इसका रिडक्शन टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि इसका रिडक्शन टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और ये सारी वैल्यूज आपके पास दे रखी हैं रिडक्शन की, चेक कर लीजिए आप। सभी के अंदर आपने क्या करेगा? सभी को आपने खिला रखा है इलेक्ट्रॉन्स, सभी को आपने इलेक्ट्रॉन्स खिला रखा है। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज आपके किसकी है? एसआरपी की वैल्यूज है, सारी वैल्यूज आपके पास एसआरपी की है। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा मेरी बात पे। तो सीरीज क्या बता रही है आपको? सीरीज आपको क्या आइडिया दे रही है? बेसिकली कि सारी वैल्यूज एसआरपी की है। ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो एसआरपी कम हो रहा है, और एसआरपी कम होगा तो एसओपी विल इंक्रीज। अच्छा बिकॉज अभी हमने देखा भी था कि ई नोट, अभी देखा था बच्चों अपन ने कि ई नोट एसआरपी क्या होता है? माइनस ई नोट एसओपी। सही बात है सर, तो अगर एस आर पी कम होगा तो एस ओ पी बढ़ता रहेगा बिकॉज माइनस में है वो, यानी कि नीचे मेटल्स हैं और मेटल्स का ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, और ऊपर नॉन मेटल्स हैं उनका रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो सर मुझे ये बताया कि एस ओ पी एस आर पी अगर मुझे दिया हो तो मैं उसे क्या मतलब निकालूंगा? आप मैंने काम का पूछे उनसे कि उसमें से हम क्या काम की बात निकालेंगे। थोड़ा यहां ध्यान दे, यहां फोकस कर भाई। अगर तेरे पास कुछ ए गिवन है और कोई बी गिवन है, मान लीजिए कोई भी सेल गिवन है ए और बी, मान लीजिए इसका तेरे पास एस आर पी गिवन है, मान ले कुछ भी एस आर पी है, और इसका भी तेरे पास मान लीजिए एस आर पी गिवन है कुछ भी। अगर दो सेल है दोनों का एस आर पी गिवन है, अब उसका पॉइंट क्या निकलने वाला? व्हाट विल बी द कंक्लूजन? जिसका एस आर पी ज्यादा होगा ना, जिस हाफ सेल का एस आर पी ज्यादा होगा ना, वो जाएगा एट कैथोड। मैं फिर बोलता हूं, जिसका एस आर पी ज्यादा होगा मतलब उसका रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है, रिडक्शन करने की पावर ज्यादा है, यानी कि वो जाएगा एट कैथोड। अच्छा और जिसका कम है वो जाएगा एट एनोड। मान लो तुम और मैं हूं, अगर आपका एस आर पी ज्यादा है तो आप जाओगे एट कैथोड और मैं जाऊंगा एट एनोड, यानी कि मेरा होगा ऑक्सीडेशन और आपका होगा रिडक्शन, बिकॉज आपका रिडक्शन की पोटेंशियल ज्यादा है। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल ज्यादा है, किसके थ्रू? रिडक्शन होने का आपका ज्यादा पोटेंशियल है, तो यानी कि आप पहले जाओगे कैथोड पे और मैं मुझे जाना पड़ेगा एट एनोड। इसका उल्टा कर लीजिएगा SOP में, जिसका SOP ज्यादा होगा वो पहले जाएगा एट एनोड बिकॉज वहीं पे ऑक्सीडेशन होता है। बस इसलिए आप कंपेयर कर करके बता सकते हैं कि कौन सा सेल क्या करेगा। अब सवाल उठता है कि आपका डैनियल सेल क्या कर रहा था?
भाई डेनियल सेल के अंदर आपका कॉपर प्लस टू था और जिंक था। अब चेक करते हैं उनका कितनी वैल्यूज है अपने पास। अच्छा ये बात तो सही है सर, कहां गया आपका जिंक, कहां है सर जिंक, ये रहा जिंक, ये रहा जिंक, कितनी वैल्यू है -0.76 SRP, और ये रहा कॉपर, कितनी वैल्यू है बेटा 0.34 SRP। तो मुझे बताओ कॉपर की SRP 0.34 है और जिंक की SRP बेटा आपके पास है 0.76, तो मुझे सोच के बताइए अगर दो SRP गिवन है जिसका ज्यादा SRP है वो कहां जाएगा, वो जाएगा सर एट कैथोड। तो कॉपर का कितना है +0.34 है और जिंक का नेगेटिव है भाई, जिंक का तो मारा गया, वो तो -0.76 है सर। तो कॉपर का ज्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब कॉपर और जिंक का अगर सेल बनेगा, अगर कॉपर और जिंक का सेल बनेगा तो कॉपर जाएगा एट कैथोड और जिंक जाएगा एट एनोड। समझे लल्ला कैसे करते चेक, तो कंपेयर करना होता आपको इस प्रकार से। अब आप किसी भी सेल को कंपेयर कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास सेल है सेल निकल का है, निकल और मेरे पास सेल है मान लीजिए एफी का, ये एफी है और निकल का सेल है, तो एफी की वैल्यू कितनी है 0.77 और निकल की वैल्यू कितनी बेटा, निकल की वैल्यू आपके पास है 0.4 के आसपास, माइनस में 0.4 के आसपास, तो निकल जाएगा आपका एट एनोड और एफी का ज्यादा एसआरपी है, इट विल मूव एट कैथोड बस। और ये वैल्यूज एग्जाम में गिवन होती हैं, आपको परेशान नहीं होना है, सेल दिया होगा सेल की वैल्यू दी होगी, आपको बस ये पहचानना है कि ये कैथोड पे जाएगा भाई साहब, ये जाएगा एट एनोड, उतना काम कर लेंगे। सेकंड काम होता है उनका रिएक्शन मेंशन करना, रिएक्शन क्या होगी कैथोड पे, रिएक्शन क्या होगी एनोड पे, बस इसके बाद लगाना होता है नर्स्ट इक्वेशन, जिसकी बात मैं अभी करने वाला हूं। आइए सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज नर्स्ट इक्वेशन बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन कैसी होती है सर, ये इक्वेशन ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी डिवाइड बाय एनएफ लॉग log q is quotient basically, q is quotient basically, अच्छा nf nf। अब सर इसका मीनिंग क्या है सर, मुझे पहले बताइए सर आप, नर्स्ट इक्वेशन क्या निकालते हैं, नर्स्ट इक्वेशन निकालते बेटा सेल का पोटेंशियल, नर्स्ट इक्वेशन निकालते उस सेल का, उस कंप्लीट सेल का पोटेंशियल निकालती है बेसिकली आपके पास, कि सेल है चाहे वो हाफ सेल हो चाहे वो एक पूरा सेल हो, उसका कितना पोटेंशियल आपके पास आने वाला है, कितना वोल्टेज आपको वहां से मिलने वाली है। फॉर्मूला क्या रहेगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 आरटी बाय एनएफ लॉग क्यू, व्हाट इज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व होते हैं, व्हाट इज एफ फैराडे चार्ज दैट इज 96500 कूलम। अच्छा अक्सर क्या होता है बेटा, अक्सर आपका जो यहां पर टेम्परेचर दिया होता है वो दिया होता है 298 केल्विन। अच्छा एफ की वैल्यू क्या रहेगी 96500 कूलम, ये भी ठीक है सर। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अगर मैं इनकी वैल्यूज यहां पुट कर दूंगा ना बेटा, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और एफ भी फिक्स्ड है, तो इन सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। अच्छा आपका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और यहां से वैल्यू आ जाएगी 0.0591 एंड वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन लॉग क्यू। तो क्यू कैसे निकालेंगे बताऊंगा बेटा, अभी चिंता मत करो, पहले आप चेक कर लीजिए एक बार। आप ये है आपके पास नर्स्ट इक्वेशन जो आप एग्जाम यूज करते हैं, यूज करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, लॉग वन से लॉग टेन की वैल्यू याद होनी चाहिए, पहले बता रहा हूं ठीक है, याद कर लीजिएगा, उसके बिना सवाल नहीं बनने वाला। क्यों क्या है सर, यहां देखिए ध्यान से, सबसे पहला आप क्या करेंगे, सबसे पहला हम करेंगे सर लिखेंगे रिएक्शन को। मान लो ये कोई रिएक्शन आपके पास ए से पी प्रोडक्ट, तो व्हाट इज क्यू, क्यू इज कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हम करते हैं क्लास 11वीं से करते हुए आ रहे हैं, क्लास 11वीं से करते हुए आ रहे हैं भाई, कुछ नया काम तो नहीं कर रहे, कोई नया काम तो नहीं कर रहे अपने पास। कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे कंसेंट्रेशन। अब कंसेंट्रेशन में कौन आएगा, एक्वा सॉल्यूशंस आ जाएंगे, गैस का कुछ प्रेशर होगा वो आ जाएगा, डिपेंडिंग की आपके पास क्या गिवन है,
गैस गिवन थी या कोई सोल्यूशन गिवन था आ जाएगा। क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे वैल्यू पुट करनी है। बढ़िया सर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सर मुझे बताइए ये मैं निकाल लूंगा सर, ये भी मैं निकाल लूंगा सर, ये क्या है, ई नोट सेल कैसे करेंगे सर? तो भाई ई नोट सेल, मेरे भाई ई नोट सेल की वैल्यू होती है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, खत्म। तुझे कैथोड और एनोड का वैल्यू पता होगी कि भाई इस दो हाफ सेल्स की वैल्यू क्या है। जैसे जिंक की वैल्यू थी -0.76, कॉपर की वैल्यू है +0.34, पुट करेगा तो उसका आपके पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा, उस सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ जाएगा, इसको तो यहां पुट करेगा और ई सेल निकल जाएगा। यहां 80% बच्चे गलत करते हैं सवाल को, 80% बच्चे यहां सवाल गलत कर देते हैं और मारे जाते हैं यहां पे, उसको ये नहीं पता होता कि कैथोड और एनोड की वैल्यू कैसे पुट करनी है, एसआरपी पुट करनी है या एसओपी पुट करनी है। फिर बता रहा हूं, एक पकड़ लीजिए जैसे आपने पकड़ लिया एसआरपी, और ये फॉर्मूला एसआरपी के लिए ही एप्लीकेबल है, ये दोनों वैल्यूज एसआरपी की होनी चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं, ये दोनों वैल्यूज एसआरपी की ही होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज एसआरपी की ही होनी चाहिए तो ही आप इसको यूज करेंगे। यानी कि ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड दोनों के वैल्यूज हैं, चेक कर लीजिए कि यार दोनों वैल्यूज एसआरपी ही थी, नहीं थी कन्वर्ट कर लीजिएगा आप, एसओपी होगा आपके पास। कैसे करेंगे सर, एक एग्जांपल लेते हैं, डरो मत। मान लो आपके पास दिया हुआ है ई नोट कॉपर +2 से कॉपर, ऐसे दिया होगा एग्जाम के अंदर, ऐसे ई नोट जिंक से जिंक 2+0.76 वोल्ट, दोनों वैल्यू दी है आपको, आपको ये वैल्यू वहां पुट करनी है। पुट करने से पहले पहले चेक कर लो आराम से क्या गिवन है अपने पास, क्या ये एसआरपी है या एसओपी है, पता नहीं सर क्या है, देखो ध्यान से कैसे चेक करते हैं। अरे कुछ नहीं है, बड़ा आसान, यहां देखो मुझे बताओ कॉपर +2 है, हाँ सर, यहां पे क्या है कॉपर 0 है सर, क्या हो गया रिड्यूस हो गया सर, अच्छा +2 से 0 दैट इज रिडक्शन हो गया, रिडक्शन मतलब एसआरपी गिवन है, ये एसआरपी 0.34 गिवन है, ये क्या गिवन है, यहां देखो पहले जिंक था, अब क्या बन गया जिंक +2, क्या हो गया, पर ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया सर, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है एसओपी, ये एसओपी गिवन है, अच्छा। और फॉर्मूले में आपको दोनों की वैल्यू एसआरपी बना के ही पुट करनी है, कैथोड पे तो एसआरपी दिख ही रही है मुझे, ये तो एसआरपी है, इसको भी मुझे एसआरपी बनाना पड़ेगा, कैसे बनाऊंगा, एसओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एसआरपी, तो इसका 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 एसआरपी कितना हो जाएगा, लीजिए भाई उल्टा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिएगा, बस 0.76 देख लीजिए, ये रहा 0.76 एनोड की एसआरपी है, 0.34 कैथोड की एसआरपी है, इसलिए डेनियल सेल के अंदर आपकी वैल्यू कितना आ रही थी, 1.1 आ रही थी, चेक कर लीजिएगा 0.34 माइनस माइनस 0.76 तो प्लस हो जाएगा, वो दैट विल बी 1.10 वोल्टेज, ऐसे आ रही थी वैल्यूज। फिर बता रहा हूं यहां गलती होगी और कहीं गलती आप नहीं करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, यहां गलती हो जाएगी, और आप यकीन मानिए भाई साहब, अगर आपका यही गलत हो गया ना, अगर आपका यही चीज गलत आ गई तो फिर आप आगे कुछ करके फायदा भी नहीं है, यकीन मानिए आप, अगर आपका ई नोट सेल गलत आ गया तो आगे तमाशा करके कुछ होगा भी नहीं, दुख दर्द और केमिस्ट्री ऐसी होती है, पता नहीं चलता कब आ जाए कब चले जाए भैया, समझ रहे हो आप, अगर आपका ये गलत हो गया तो मामला खत्म है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अगर सही है बाकी तो वैल्यू पुट करनी है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आप बेटर समझ पाएंगे इन चीजों को। अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, फिर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर। अब मोस्ट इक्वेशन में बेटा कुछ एप्लीकेशन है अपने पास, पहला एप्लीकेशन क्या है सर, वही ईएफ निकालने वाला जो हम कर चुके हैं, हाँ सर। सेकंड रहेगा बच्चा हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी देखेंगे। थर्ड रहेगा गिब्स एनर्जी, कि हम थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा जी या गिब्स एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तीनों बातें करेंगे, तीनों पर सवाल करने वाले हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बेटा आपके पास पहल ईएमएफ निकालने वाला सवाल, सॉल्व करें, आओ करते हैं सर सॉल्व, सॉल्यूशन की बात करते, ध्यान दीजिएगा मजा आएगा भी आप। देखो कैलकुलेट द ईएमएफ फॉर द रिएक्शन एफ ई
प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर एट दिस टेम्परेचर। क्या गिवन है मुझे, मुझे गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, और यहां पे मुझे गिवन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, दोनों का ही मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, और मुझे सेल का पूछा है व्हाट विल बी द ईएमएफ। आइए आइए, अब मुझे बताओ मुझसे कौन सा ईएमएफ पूछा है, मुझसे ई नोट पूछा है या मुझसे ई वाला पूछा है। क्या मुझे सेल के बारे में कुछ और जानकारी दी हुई है, मतलब क्या मुझे सेल के बारे में कंसंट्रेशन पता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, नहीं सर। क्या मुझे कुछ और डाटा पता है, नहीं। तो विदाउट कंसंट्रेशन क्यू की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो यहां पे सिंपल आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी ई नोट, समझो। कुछ नहीं पूछा आपसे, बस पूछा है व्हाट विल बी ई नोट सेल, बिकॉज मुझे कंसंट्रेशन पता हो। अगर मुझे कंसंट्रेशन पता होंगी तो मैं निकालूंगा सब कुछ, और मुझे कुछ दिया ही नहीं उस सवाल के अंदर, तो मुझे सिर्फ ये करना है कैथोड एसआरपी माइनस एनोड एसआरपी। सोच के बताइए कैथोड कौन बनेगा, एनोड कौन बनेगा सर, सोच के बताइए कैथोड और एनोड कौन बनेगा। क्या दिया हुआ है सर मुझे, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ईनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब एफ ई से बन रहा होगा एफ ई प्लस टू, ईनोट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कॉपर से बन रहा होगा कॉपर प्लस टू, दोनों ही ऑक्सीडेशन दे रखे हैं, कितनी वैल्यू दे रखी है माइनस पॉइंट फोर दे रखी है वैल्यू, इसमें कितनी दी बच्चों आपके पास 0.5 का पॉजिटिव है अपने पास। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रहा प्लस जीरो से टू ऑक्सीडेशन, जीरो से टू ऑक्सीडेशन बिकॉज यहां टू आ रहा है चार्ज, ठीक है। दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दोनों एसओपी है, अब मुझे दोनों को SRP में कन्वर्ट करना है बिकॉज मेरा फॉर्मूला काम करता है SRP के बेसिस पे, ठीक है सर। तो इसका मुझे बताओ SRP कितना हो जाएगा, निकल गया सर वो तो आ गया, नहीं बताओ कितना हो जाएगा भाई साहब, कैसे बताएं सर, आप तक हमारी आवाज पहुंचेगी नहीं, कोई नहीं भाई तो खुश हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा तुझे आ गया होगा, ले भैया तेरा आंसर जिंदाबाद। कितना आएगा ये, SOP को आपने SRP में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ कैथोड कौन है एनोड कौन है, अभी तक हमको ये नहीं पता व्हाट इज कैथोड व्हाट इज एनोड। सर सर सर, जिसका SRP ज्यादा होता है ना, आपने कहा था कि वो जाएगा एट कैथोड, हाँ खत्म बात। तो मुझे बता किसका SRP ज्यादा है, सर काफी आसान है, इसका SRP ज्यादा है, इट विल बी एट कैथोड, और सर ये Fe वाला जाएगा एट एनोड। पहचान लिया, सवाल खत्म। व्हाट इज कैथोड, उसका एसआरपी कितना है 0.4, व्हाट इज एनोड, उसका एसआरपी कितना है माइनस 0.5, 5.49 वोल्ट, खत्म। लो ऐसे निकालना आपको, ये फर्स्ट स्टेप है, अगर यही गलती कर दी ना तो आगे सवाल करना मत, क्योंकि फायदा नहीं होगा, टाइम खराब करोगे आप, ठीक है। यहां गलती नहीं करनी बच्चे अपने को। अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की वैल्यू और कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां देखो बच्चों, आपने मुझे बोला कि सर ये हमारे पास हो जाती है ई सेल की वैल्यू, ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, हां बिल्कुल सही बात है, पर ये आ कहां से रही है, ये देखिए ध्यान से आप, ये वैल्यू कहां से आ रही है अपने पास, ये आप ध्यान दीजिएगा। क्लास 11th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्लास 11th का एक फॉर्मूला है अपने पास, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, क्लास 11th का फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम चैप्टर से, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, हाँ सर। और डेल्टा जी बेटा इस चैप्टर के अंदर डेल्टा जी जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क, इस चैप्टर में डेल्टा जी का जो फंक्शन है तो ये एनर्जी ही है, तो एक प्रकार से वर्क ही, कौन सा वर्क है, दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क जो हम ऑप्टेन कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल से। अच्छा, और मुझे बता व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला, डेल्टा जी हो जाएगा माइनस चार्ज इनटू वोल्टेज, बोलो हाँ है ना, ई इनटू वी होता है ना पोटेंशियल, क्यू इनटू वी, हाँ सर इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहा हूं। एंड व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज माइनस एनएफ, व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज मतलब ई की बात कर रहे हैं। अच्छा, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ इज फराडे चार्ज, तो टोटल चार्ज आ जाएगा आपके पास, पीछे क्या लगा दिया, ई लगा दिया,
तो जो डेल्टा जी आपके पास इस चैप्टर में काम कर रहा है वो माइनस एन एफ ई के बराबर है। अपने आप में एक फॉर्मूला है वो, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, या डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट। डेल्टा जी होगा तो ई आएगा, जी नोट होगा तो ई नोट हो जाएगा, बस कहां से आ रहा है आपके सामने। तो मैंने क्या किया, मैंने की वैल्यू यहां पुट कर दी, क्या आ जाएगा बताओ मुझे, तो माइनस एन एफ ई बराबर माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। इसको चेक करोगे ये आ जाएगा। अच्छा, पर अभी चेक नहीं करना अपने को, अभी तो सवाल करने अपने को। अच्छा कैसे करेंगे सर, आगे बताइए मुझे। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है सर, एट इक्विलिब्रियम मुझे इतना पता है डेल्टा जी जीरो हो जाएगा सर, डेल्टा जी विल बी जीरो, डेल्टा जी नोट नहीं, डेल्टा जी विल बी जीरो। ओके, एट इक्विलिब्रियम बेटा अगर डेल्टा जी जीरो है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू पूरी पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी सर, समझ गया। यानी कि यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल्टा जी नोट बराबर आर टी एल एन क्यू, और एट इक्विलिब्रियम बेटा क्यू आपका के बन जाएगा, के मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बन जाएगा, तो क्यू को आप के रिप्लेस कर सकते हैं, ये रख के आपके पास, बस खत्म। तो डेल्टा जी नोट क्या आ गया, माइनस आर टी एल एन के, एंड डेल्टा जी नोट पता है आपको, हाँ पता है सर मुझे, माइनस एन एफ ई नोट माइनस आर टी एल एन के, या ई नोट बराबर हो जाएगा अपने पास यहां से आर टी एल एन के बाय एन एफ। ये देख लिया भैया, ये देख लिया, यानी कि अगर मुझे स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है सेल का, अगर मुझे सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ पता है तो मैं उसके बारे में के की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, बिकॉज के मतलब एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे आपका डेल्टा जी जीरो हो गया, डेल्टा जी जीरो का मतलब क्या होता है, ई सेल जीरो हो गया। तो व्हाट इज ई नोट सेल, ई नोट सेल विल बी ये वैल्यू लॉग क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू इज के। तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी, चेक कर लीजिए आप ध्यान से, ये यही तो है, ओपन कर लो उसको, आर टी और एफ की वैल्यू पुट कर दो, आर टी और एफ की वैल्यू पुट करो, ये आ जाएगा। अच्छा, यानी कि मुझे वही अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है, ई नोट पता है मुझे सेल का, तो मैं आराम से वहां से इस फॉर्मूले से अपना के की वैल्यू निकाल सकता हूं, या एल एन के या लॉग के की वैल्यू निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे होने वाली। आइए कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इस पे। सवाल देखिए आप, सवाल देखिए बच्चों आपके पास, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज 5 वोल्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है भैया, रिएक्शन क्या अपने पास, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन देखिए बच्चों क्या है, निकल सॉलिड प्लस 2 Ag पॉजिटिव 0.2 मोलर, क्या बनेगा, सबसे पहले आपको रिएक्शन मेंशन करनी है एग्जाम के अंदर, 0.02 मोलर प्लस 2 Ag सॉलिड, रिएक्शन दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, आपसे के की वैल्यू पूछेगी, के की वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास, थोड़ा फोकस कीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। रिएक्शन दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो मजा आ गया अपने पास। अब मुझसे पूछा है स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना दे रखा है, दे रखा है मुझे ऑलरेडी कितना, 5 वोल्ट मुझे दिया है बच्चों, ई नोट की वैल्यू दी है मुझे 5 वोल्ट, और मुझसे पूछा है के की वैल्यू पूछे मुझसे, तो व्हाट इज ई नोट की वैल्यू, ई नोट सेल हो जाएगा सर 0.0591 बाय एन लॉग के, के निकालना है मुझे के की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए हैं चेक करो आप, सर निकल जीरो था और यहां पे निकल प्लस 2 है, कितने का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, दैट इज एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, एन विल बी 2, खत्म क्वेश्चन, बस जस्ट पुट द वैल्यूज, वैल्यू पुट कर दीजिए, व्हाट इज ई नोट 5, 0.0591, एन इज 2 लॉग के, देख लीजिए आप, और यहां से आपको इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, और अगर सवाल एंटी लॉग का आता है तो कोई ना कोई आपको डाटा दिया होगा ताकि आप उस एंटी लॉग को सॉल्व कर सकें, बिकॉज हम एंटी लॉग की वैल्यू को देख के नहीं बता सकते, हमें लॉग की वैल्यू याद होती है पर हम एंटी लॉग को डील नहीं कर पाते, तो कोई एक्स्ट्रा डाटा आपको दिया होगा सवाल में तो आप कर पाओगे।
यहां तक क्लियर है बताऊंगा। अब तो सीधा क्या करना है, जस्ट आपको यहां पे एंटीलोग लेना है, आंसर आ जाएगा। के निकालना था आपको इस सवाल के अंदर, ऐसे निकालना के बिकॉज ऑफ दिस डेरिवेशन बेटा। जब आपको डेरिवेशन क्लियर होगी, डेरिवेशन के थ्रू मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला ये बनने वाला है, इसको ये देख लीजिए आप या फिर ये देख लीजिए, एक ही बात है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा ना। अब बात है गिब्स एनर्जी की, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से फॉर्मूले में आपको मेंशन कर देता हूं कि डेल्टा जी का फॉर्मूला हो जाएगा सर माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा माइनस एन एफ ई नोट सेल। देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार आप लोग। इसका मतलब यह है कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ई नोट पॉजिटिव हो जाएगा, ई नोट नेगेटिव है तो डेल्टा जी नोट पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा चलने वाला है। तो मुझे बताओ थर्मो में क्या पढ़ा था अपने, थर्मो से हम जानते हैं बेटा, थर्मो से हम जानते चीजों को कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अच्छा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो मुझे बताओ अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो आपका ई की वैल्यू क्या आएगी, सर ई की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, या ई नोट की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब जो थर्मो में डेल्टा जी हम चेक कर रहे थे फॉर स्पॉन्टेनिटी, हम इस चैप्टर में सेल के चैप्टर के अंदर हम ई नोट या ई चेक करते हैं फॉर स्पॉन्टेनिटी। डेनियन सेल का ई कितना आ रहा था, प्लस 1.10 आ रहा था, यानी कि वो सेल स्पॉन्टेनियस है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। यानी कि हमें कुछ नहीं करना होता गैल्वेनिक के अंदर, हमें बस सेटअप लगाना होता है और सेटअप अपने आप रिएक्शन करता है और हमें एनर्जी मिल जाती है, यानी कि दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर हमें कुछ करना पड़ता सो दैट मींस द प्रोसेस और द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होती है, और इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर जो हम पढ़ेंगे दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक और डिफरेंस आपके पास, तो इन गैल्वेनिक किया हुआ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिकॉज आपका ई नोट पॉजिटिव आ जाएगा तभी वो सेल काम करेगा, अगर ई नोट नेगेटिव आ रहा है तो सेल को उल्टा करना पड़ेगा मुझे, यानी कैथोड एनोड को उल्टा करना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव आ सके, ताकि वो उस डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव हो सके। अगर इस डायरेक्शन में नेगेटिव है तो उल्टा करें पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आप जानते हैं, सीखते हैं इन चैप्टर के अंदर। सवाल देखें कुछ, आओ सवाल क्या पूछा आपसे पास, कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन Mg प्लस कॉपर प्लस टू। बेटा Mg है कॉपर प्लस टू है, Mg प्लस टू कॉपर, तो मुझे बताओ n कितना है, n इज टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। Mg से बना Mg प्लस टू, तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ होगा यहाँ पे, अच्छी बात है। ई नोट दिया हुआ है सब कुछ, अरे पूछा क्या मुझसे डेल्टा जी पूछा, अरे यार मतलब करूं ना करूं बताओ मुझे आप लोग यार, ये खुद कर लोगे, कर दो सर एक बार थोड़ा सा। हाँ हाँ बेटा एग्जाम में तू भी करेगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल हो गया, व्हाट इज माइनस एन, एन इज टू, एफ इज 96500, व्हाट इज ई नोट सेल दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 2.71, थक कर लीजिएगा आपका आंसर जूल के अंदर आ जाएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा, थोड़ा और दिमाग लाएगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा किलो जूल पर मोल के अंदर। तो जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल में आप अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, चेक कर लीजिए बच्चा, ठीक है भाई। यहां देखो ध्यान से आप, जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल कर लोगे भाई, आई होप इट इज क्लियर। अरे कर लीजिएगा, ऐसे मारे जाओ कहीं तो ये भी ना कर पाओ, हाँ कर लीजिएगा भाई ये वाला काम, ये आपका सवाल एनसीईआरटी का सवाल है इसलिए बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलो एक सवाल और करते हैं इसके बारे में, मैंने कहा ना कुछ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बच्चों, बिना क्वेश्चंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिना क्वेश्चंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज क्वेश्चंस करने के बिना इस चैप्टर में आपको दिक्कत होगी हमेशा। आइए, द स्टैंडर्ड ईएमएफ एंड सॉरी द ईएमएफ एंड द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आर गिवन, अच्छी दोनों गिवन है, गुड। सॉल्यूशन ए पार्ट, यहां करेंगे बी पार्ट। ए में क्या है भाई, पर आपको दिया हुआ है ईएमएफ की वैल्यू, यानी कि ई दिया हुआ है कितना 5 वोल्ट, और मुझे ई नोट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना है बेटा आपके पास 5.06 वोल्ट है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है भैया। रिएक्शन भी दी हुई है, रिएक्शन में एजी प्लस
का एन अमाउंट है, मतलब कंसंट्रेशन ही पता मुझे कितनी है, निकल की मेरे पास कंसंट्रेशन है इस तरीके से, मुझसे पूछा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, ठीक है, मुझसे Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछी हुई है। आओ चेक करते हैं, बड़े सवाल है अपने पास, सवाल बढ़िया गजब सवाल है। देखिए आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सर, निकल जीरो से गया निकल प्लस टू में, दो का चेंज है सर, लॉग लॉग क्यू आ जाएगा, क्यू मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में कौन है, ये तो सॉलिड है, सॉलिड की वैल्यू क्या होती है, वन मान के हटा देंगे उसको, कोई लिक्विड है क्या, कोई एक्वा सोल्यूशन है, हाँ सर है, क्या निकल है, और यहां पे कौन है Ag प्लस है। अच्छा तो बेटा क्यू की वैल्यू ऐसे लिखेंगे ना, कंसंट्रेशन ऑफ निकल टू प्लस दैट इज प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, बिकॉज ये भी एक्वस पार्ट है, और जो स्टोइकोमेट्री होती है, जो स्टोइकोमेट्री होती है वो पावर बन जाती है, ये सारा हम जानते हैं पढ़ते हैं इन चीजों को केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, अगर भूल जाओगे तो बता रहा हूं मैं, ऐसे कर लेना एग्जाम में, ठीक है, ऐसे कर ले, जो स्टोइकोमेट्री वो पावर बन जाती है, यानी कि हमें Ag प्लस की वैल्यू निकालनी है सवाल के अंदर। अच्छा तो व्हाट विल बी क्यू की वैल्यू, पुट कर दूं, हाँ सर निकल व्हाट इज निकल टू प्लस की वैल्यू दे रखी है मुझे, हाँ दे रखी है, डिवाइड बाय इसकी वैल्यू क्या x मान लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके व्हाट इज e, 5, व्हाट इज e नोट 5.06 माइनस 0.0591 लॉग, ये आ जाएगा अपने पास, दैट विल बी 0.02, तो इसको कर लो आप चाहो तो, या अलग से कर लीजिए, व्हाट इज लॉग ए बाय बी, लॉग ए माइनस लॉग बी माइनस लॉग एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 आगे आ जाएगा, ये क्या है, ये लॉग 2 के बराबर है, 2 बाय 100 हो जाएगा, दिस इज 2 बाय 100, सो लॉग 2 इज 0.3010, लॉग 100 इज 10, ठीक है कर लोगे, अरे भाई ऐसे ये बोल रहा हूं मैं, लॉग 2 बाय 100 आ जाएगा, हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉग 2 माइनस लॉग 10, मतलब 10 की पावर 2, सॉरी कितना हो जाएगा ये 0.3010 माइनस 2 आगे आ जाएगा 2, लॉग 10 इज 1, तो ये जो पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू है बेटा, इसको अलग से कहीं रफ में सॉल्व कर लीजिए एग्जाम के अंदर, यहां मत घुसा दो सब कुछ, ठीक है, यहां देख लीजिए ऐसे आ जाएगा, इसको यहां पुट कर दीजिएगा आप, इक्वेट करके आपका एक्स आ जाएगा यहां से, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच करना है, और एग्जाम में बेटा जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना उनकी वैल्यूज थोड़ी अच्छी दी होती है, अच्छी मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाना, वो पावर ओवर कर जाती है उसमें अपने आप, लेकिन स्टिल एक आध क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो दिक्कत आपको कम रहेगी। अगेन रिक्वेस्ट है कि हर बच्चा लॉग टेबल याद कर लीजिए, लॉग 1 से लॉग 10 की वैल्यू मिनिमम याद होनी चाहिए आपको, हमारा सवाल नहीं बनेगा आपका, आपका सवाल यहाँ छोड़ना पड़ेगा, फिर फायदा नहीं है, बिकॉज सवाल में एक स्टेप बचा हुआ है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये इक्वेट करके लॉग एक्स आ जाएगा आपके पास, कर लोगे, तो ये आपका तरीका है, अगर कंसंट्रेशन देके या कुछ देके कुछ पूछा है तो कर लेंगे अपन। सेकंड पार्ट क्या पूछा बच्चा आपसे, इफ द अबव रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, अब क्या बोला है कि अगर रिएक्शन को मैं कर दूंगा इक्विलिब्रियम पे, कर दो भाई, देन फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड डेल्टा जी नोट, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ई तो जीरो हो जाएगा पर ई नोट रहेगा, तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट, एन कितना है 2 है, एफ कितना है 96500 है, ई नोट कितना है, तो ई नोट दे रखा आपके पास 5.06, ये देख लीजिए डेल्टा जी नोट तैयार हो गया, और क्या निकालना आपको सर, के निकालना है, क्या निकालना है, के निकालना सर, के की वैल्यू, तो वो भी निकाल लो, डेल्टा जी नोट क्या होता है माइनस आर टी एल एन के, या डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग के, लॉग में कन्वर्ट कर लीजिए, डेल्टा जी नोट पता है आपको, यहां से निकाल लोगे आर ओ टी की वैल्यू पुट करके किए बाहर आ जाएगा, कैलकुलेशंस करनी है मजदूरों की तरह, यस मजदूरी करनी पड़ती है इस चैप्टर के अंदर, बिकॉज इट इज मैथमेटिकल इन नेचर, और बच्चे यही नहीं करते हैं, बच्चे क्या करते हैं थ्योरिटा मारते रहते हैं, नहीं बेटा उससे काम लेने वाला, दो न्यूमेरिकल यहां से बनेंगे बनेंगे, 9 मार्क्स में से 5 to 6 मार्क्स से क्वेश्चन से आते हैं, बाकी थ्योरी आती है, और यहां से क्वेश्चन ही फ्रेम किए जाएंगे आपके पास, प्लीज इन वैल्यूज को, इन कैलकुलेशन को कर लीजिएगा,
तो ये आपका फायदा रहेगा, तो ये आपका एग्जाम में आपको यहां दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया, दैट इज गैल्वेनिक सेल। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है कनेक्टेंस, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, कितनी आसानी से आपके आयंस सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कर सकते हैं। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों कनेक्टेंस की? ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, कितनी आसानी से आपके आयंस सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें Na प्लस होंगे बहुत सारे, उसमें Cl माइनस काफी सारे होंगे, तो कितनी आसानी से आपका Na प्लस या Cl माइनस मूव कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है, उसको डिफाइन करते हैं बच्चों कनेक्टेंस को। मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली बच्चों कनेक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं सिंबल G से। G इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G की यूनिट क्या आ जाएगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ G? इट विल बी ओम इनवर्स और साइमन। इट विल बी ओम इनवर्स और सीमन अपने पास बेसिकली, बिकॉज व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज ओम या अपने पास, तो इट विल बी ओम इनवर्स या साइमन आ जाएगा। तो बेसिक बात अपने आपको बताया मैंने रिगार्डिंग जी, दैट इज कनेक्टेंस। अब ये तो बहुत बेसिक बात हो गई सर, लेकिन इसमें अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा जाके, थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो आप ध्यान दीजिएगा। आप पहला फॉर्मूला बेटा आएगा आपके पास के बराबर जी मल्टीप्लाई बाय जी स्टार, जो आपको याद रखना है, दैट इज के बराबर जी इंटू जी स्टार। व्हाट इज के? के इज नोन एज कापा, दैट इज कनेक्टिविटी। के को बेटा कापा बोलते हैं सिंबल को, दैट इज कनेक्टिविटी। जी क्या हो गया? जी आपके पास कनेक्टेंस है। एंड जी स्टार जो बच्चा है दैट इज अ कॉन्स्टेंट, उसको बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट। फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ बाई एरिया, दैट इज नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। अगर सेल सेम है तो आपका जी स्टार सेम रहेगा, बिकॉज सेल सेम का मतलब क्या है कि उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में लेंथ बराबर है और उसका डिप्ड एरिया, इलेक्ट्रोड्स का डिप्ड एरिया सेम रहेगा। तो एल इज लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड ए इज एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द सोल्यूशन। तो वहां से आपका जी स्टार माने सेल कॉन्स्टेंट आ जाएगा, दैट इज एल बाई ए। तो अगर मुझे जी पता है दैट इज कनेक्टेंस और जी स्टार पता है तो मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कापा, दैट इज कनेक्टिविटी। सो के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। अब सवाल उठता है कि भाई के की वैल्यू क्या आने वाली है, के की यूनिट्स क्या आने वाली है बच्चों? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर करता है एग्जामिनर बेटा अक्सर, क्वेश्चन के अंदर अक्सर क्या होता है आपके पास बोल रखा होगा कनेक्टेंस और निकालना होगा के, बोलेगा कनेक्टिविटी और निकालना होगा जी। तो शब्दों मत जाइए आप कि कनेक्टेंस था या कनेक्टिविटी था, शब्द बदल सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, लेकिन एक चीज है दैट इज यूनिट्स। यूनिट से आप पहचानेंगे आपको क्या निकालना है। हो सकता है मैंने बोर्ड रखा हो फाइंड आउट द कनेक्टिविटी और मैं आपसे जी निकलवा रहा हूं सवाल के अंदर, ठीक है, तो सर ये क्या मतलब है? लैंग्वेज का खेल ले बेटा। जैसे आप एनर्जी को फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ई बराबर एच न्यू, तो जैसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी की तरह मैच कर सकते चलती है उसके रिस्पेक्ट में, वैसे ही मैंने आपको बताया कि कनेक्टेंस और कनेक्टिविटी एक इंटरचेंजेबल टर्म्स है, तो आप इनको इंटरचेंज करके बोल सकते हैं, लेकिन जब निकालोगे तो वैल्यू को यूनिट्स के साथ आपको पुट करना पड़ेगा। तो हम अक्सर क्वेश्चन में यूनिट्स के साथ पहचानते हैं कि यूनिट्स अच्छा ये थी तो हमको ये निकालना होगा, अगर अदरवाइज स्पेसिफिक ना हो तो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इज यूनिट ऑफ जी? दैट इज ओम इनवर्स या साइमन, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी के? के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, जी इंटू जी स्टार। जी क्या हो गया? साइमन हो गया। एंड व्हाट इज जी स्टार? जी स्टार इज लेंथ बाई एरिया, लेंथ क्या होता है मीटर, व्हाट इज एरिया मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर डेसीमीटर। तो समझ जाना, अगर आपके वैल्यूज निकालनी है साइमन पर मीटर में, साइमन पर सेंटीमीटर में या साइमन पर डेसीमीटर में, तो आपको क्या निकालना होगा? आपको कापा, दैट इज कनेक्टिविटी फाइंड आउट करनी होगी बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला बनता है हमारा फर्स्ट इसके अंदर, दैट इज के विल बी इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। जी स्टार इज सेल कॉन्स्टेंट, दैट इज एल बाई ए। अगर सेल फिक्स्ड है तो आपका जी स्टार फिक्स रहेगा, बिकॉज एल इज बिटवीन द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड ए इज द एरिया डिप्ड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, कि इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया डिप हो रखा है आपके सोल्यूशन के अंदर। डन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हमने बात की किसके बारे में? कनेक्टिविटी के बारे में। तो फॉर्मूला दोबारा से अगर हम मेंशन करना चाहें तो क्या आ जाएगा? जी इंटू जी स्टार, कापा बराबर जी इंटू जी स्टार।
डन है। अगर अब हम बेटा कापा को डिफाइन कैसे करेंगे सर, व्हाट इज कनेक्टेंस, कितनी आसानी से आपका आयन फ्लो कर सकते हैं उसको बोलेंगे कनेक्टेंस। लेकिन व्हाट इज कनेक्टिविटी उसको आप मेंशन कीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों अगर मुझे बताओ आप, अगर मैं इस जी स्टार को दैट इज सेल कॉन्स्टेंट को वन कर देता हूं, वन कैसे होगा सर, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन, अगर वो वन वन हो जाता है, वन सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी और वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, तो आपका जी स्टार विल बी दैट इज सेल कॉन्स्टेंट विल बी वन। तो मुझे बताओ अगर जी स्टार आपका वन हो जाएगा बच्चों, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के विल बी इक्वल टू जी। यानी कि कनेक्टिविटी इज द कनेक्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड्स और द एरिया डिप्ड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर सेम। यानी कि अगर आपका सेल कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन आ जाएगी तो आपके कनेक्टेंस की वैल्यू के बराबर हो जाएगी अपने पास। अब इसका मैथमेटिकल मीनिंग समझिए क्योंकि एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट है। इसका मैथमेटिकल मीनिंग बच्चों ये है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन है, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, यहां देखिए ध्यान से आप, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, अरे भैया कहां गायब रहते हैं, हाँ यहां देखो, सपोज बच्चों यू हैव सम सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहां पे आपने अपने इलेक्ट्रोड्स डाल दी, यहां पे आपने अपने इलेक्ट्रोड्स डिप कर दी, तो ये इनके बीच का लेंथ हो गया लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और ये जो डिप्ड एरिया है इलेक्ट्रोड्स का इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर डिप्ड एरिया वन हो जाएगा, लेंथ वन हो जाएगी, तो आपका जी स्टार भी वन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिविटी, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं, अगर आप अपने बीकर के अंदर यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करें, यूनिट वॉल्यूम मतलब लेंथ विल बी वन एंड एरिया विल बी वन, तो व्हाट इज वॉल्यूम, लेंथ इनटू एरिया। तो अगर एक सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम है या एक मीटर क्यूब की है या एक डेसीमीटर क्यूब की, यानी कि यूनिट वॉल्यूम अगर आपके पास है, उस यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे उनकी वजह से जो वैल्यू आएगी कंडक्टेंस की उसको के घोषित कर देंगे। दोबारा बोलता हूं, यूनिट वॉल्यूम में जो भी नंबर ऑफ आयंस आएंगे, नंबर ऑफ आयंस बहुत सारे हैं, लेकिन इस एरिया में जितने इस वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस आएंगे उनके वजह से जो आपके पास जी की वैल्यू आ रही होगी उसको के घोषित कर देंगे, दैट इज नोन एज कनेक्टिविटी। और इस बात को हम आगे यूज करेंगे इन द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन, डायल्यूशन करने से कापा की वैल्यू कैसे डिक्रीज हो जाती है इसी फैक्टर से, बिकॉज ये यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ आयंस देख रहे होते हैं ना कि टोटल वॉल्यूम के अंदर। प्लीज फोकस कीजिएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है, इस बात को हम आगे भी यूज करेंगे इन द केस ऑफ डाइल्यूशन। तो ये बेसिक बात है रिगार्डिंग कनेक्टिविटी। अब आपके पास रिलेशन आता है बेटा कनेक्टेंस एंड के बीच, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिलेशन के बारे में। सेकेंड पॉइंट है बच्चों आपके पास मोलर कनेक्टेंस, सेकेंड पॉइंट के बच्चों आपके पास दैट इज मोलर कनेक्टेंस। अब मुझे बताइए भाई व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, अभी आपने पढ़ा सिंपल कंडक्टेंस क्या होता है, जी होता है, दैट इज 1 बाय आर। जिंदगी बड़ी आसान थी कि के बराबर जी इंटू जी स्टार, जी विल बी 1 बाय आर, आर दिया होगा कंडक्टेंस बाहर आ जाएगा। लेकिन अब एक और चीज आ गई मोलर कंडक्टेंस। अच्छा सर क्या बात की आपने, मोलर कंडक्टेंस की बात की, लैम्डा एम इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, लैम्डा एम बोल देंगे अपने पास। इसको ऐसे डिनोट कर लीजिए या फिर ऐसे डिनोट कर लीजिए, डिनोशन से आप पहचान लोगे। अच्छा इसका मीनिंग क्या रहेगा सर, लिखिए ध्यान से, द कनेक्टेंस ऑब्जर्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन यू कैन से वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे इज यूज्ड। अच्छा यानी कि आपने सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को, सॉल्यूशन की मात्रा को, अमाउंट को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया कि अगर एक मोल एनी सेल है उसके वजह से जो आपके पास कनेक्टेंस आएगी उसको लैम्डा एम या मोलर कनेक्टेंस घोषित कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर ये तो, यानी कि आप अमाउंट की बात करना स्टार्ट कर दिया आपने, जी हाँ, यानी कि हमने कंसंट्रेशन की बात करनी स्टार्ट कर दी ताकि हम अपनी वैल्यूज को कंसंट्रेशन के साथ वेरी कर सके, चेक कर सके। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास उसकी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
अभी हमको एक फॉर्मूला पता है पहले से, कौन सा वाला सर? के बराबर जी इंटू जी स्टार, दैट इज कापा कंटेंस एंड जी स्टार। आप सर मुझे बताइए, कापा और लैम्डा एम के बीच कोई रिश्ता है क्या? है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा आप। सो लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 बाय कंसेंट्रेशन, मतलब मोलैरिटी। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो आपके लिए फायदा रहेगा, बहुत फायदा रहेगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फंसोगे। क्यों फंसोगे? बिकॉज लैम्डा एम की वैल्यू क्या पुट करनी है, यूनिट्स क्या आने वाली, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो के की वैल्यू आपने साइमन पर सेंटीमीटर में इस्तेमाल किया है आपने, अगर के को आपने साइमन पर सेंटीमीटर में इस्तेमाल किया बच्चों, तो लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, बिकॉज व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। एक लीटर में होता है एक डेसीमीटर क्यूब, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया है, ऊपर 1000 आ गया। ठीक है, यानी अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एग्जाम के अंदर, तो मेक श्योर कीजिएगा कि कापा की वैल्यू आपकी साइमन पर सेंटीमीटर में हो। अगर कापा साइमन पर सेंटीमीटर में है तो सीधा पुट कीजिएगा वैल्यू को, और लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगी। लेकिन सर अगर हो सकता है एग्जाम के अंदर हमारा कापा साइमन पर सेंटीमीटर में ना हो, तो क्या करेंगे सर? दूसरा फॉर्मूला कापा बाय एम, तीसरा फॉर्मूला कापा बाय एम इंटू 1000। एक ही फॉर्मूला है लेकिन उसकी तीन वेरिएशन मैंने आपको दिखाए, एक ही फॉर्मूले की तीन शक्ल मैंने आपको दिखा दी, एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको अच्छा लग रहा होगा देख के। कौन सा इस्तेमाल कब करना है मैं उसी की बात कर रहा हूं, पहले बता रहा हूं मैं। कापा इंटू 1000 बाय एम कब इस्तेमाल करेंगे? जब कापा की वैल्यू किसमें गिवन है? जब कापा गिवन आपके पास साइमन पर सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आ जाएगा, यानी इस लैम्डा एम की वैल्यू आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। गजब सर, बढ़िया। लेकिन अगर आपके पास कापा गिवन है किसमें? साइमन पर डेसीमीटर में, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे आप, लैम्डा एम आपके पास आ जाएगा सीधा सीधा साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। अच्छा, बिकॉज कापा की वैल्यू सेंटीमीटर में हो सकती है, डेसीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, और यही गलती होती है, ये गलती मैथमेटिकल गलती है बेसिकली, केमिस्ट्री में कोई फॉल्ट नहीं है इसके अंदर। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि यूनिट्स कौन सी थी, तो मारे जाओगे। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये कब इस्तेमाल करेंगे, कौन बच गया बताओ? सेंटीमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, कौन बचा? मीटर सर। जी हाँ, अगर कापा आपके पास साइमन पर मीटर गिवन है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो लैम्डा एम आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। समझ गए? यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाय एम होता है, 1000 कब आ रहा है कब नहीं आ रहा चेक कर लीजिए। सेंटीमीटर होगा 1000 ऊपर आ जाएगा, डेसीमीटर होगा 9000, मीटर होगा 1000 नीचे आ जाएगा, खत्म बात। सारे सवाल यहीं से बनते, पहले बता रहा हूं, सारे एग्जांपल्स यहीं से फ्रेम होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। डन। अब कुछ पहले बात करते हैं भाई, ये सारे फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं? ये जो आपकी कंडक्टेंस की वैल्यू है, जी है, कापा, किस पे डिपेंड करते हैं भाई? डिपेंड बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है आपका, कि आपके नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है, KCl है, NaOH है, HCl है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। देन बाकी बेसिक बातों पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमें अपने सिलेबस के हिसाब से सिर्फ दो पॉइंट डिस्कस करने हैं, नंबर ऑफ आयंस एज वेल एज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हमारा वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये अदर फैक्टर्स है अपने पास जो अभी हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ कोई अगर पूछे तो ये फैक्टर्स भी रहते हैं, चाहे वो विस्कोसिटी हो, चाहे वो गैस आयन का साइज हो, ये एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ हो, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर बेटा वो दो बातें हैं, नेचर एंड नंबर। ठीक है, चलिए अब इन्हीं की बात करेंगे अपन, कि कैसे अपन इन चीजों को चेक करेंगे। बिफोर दैट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आओ उनकी बात करेंगे अभी, फैक्टर कौन कौन से कैसे काम कर रहे हैं। Arrange conductance of given aqueous solutions NaCl, KCl, RbCl, CaCl. चार solutions हैं, इनका आपको conductance के बारे में कुछ जानकारी देनी है, देखते हैं, बात करते हैं। और second example है NaCl, NaBr, NaI. तो सर आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, तो आप कैसे कॉमेंट कर देंगे कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? भाई मुझे सिंपल सी बात है, जितना आसानी से मेरा आयन फ्लो करेगा उतना ज्यादा उसका होगा कंडक्टेंस,
क्या बोला मैंने, जितना आसानी से आपका आयन फ्लो करेगा सोल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा उसका होगा कंडक्टेंस। ये हो गया बेसिक बात। कैसे करेंगे इसे चेक, फिर आओ चेक करते हैं इसमें। मुझे बताओ कुछ कॉमन है कि हाँ सर कॉमन है, सीएल 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 सीएल, तो वो तो फिक्स्ड है बेटा, उस पर तो बात डिपेंड नहीं करेगी। वेरी कौन कर रहा है सर, एन ए प्लस वेरी कर रहा है और के प्लस वेरी कर रहा है, आर बी प्लस वेरी कर रहा है और सी एस पॉजिटिव वेरी कर रहा है। तो सोल्यूशन के अंदर आपके पास एन ए प्लस है, के प्लस है, आर बी प्लस है, सी एस पॉजिटिव है, इन सब के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसके पास होगी। मोबिलिटी मतलब स्पीड ऑफ आयंस की बात कर रहा हूं, बिकॉज जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी तेजी से वो फ्लो करेगा, आसानी से फ्लो करेगा। तो वो डिपेंड करेगी साइज पे, सही बात है आपकी, वो डिपेंड करेगी साइज पे कि एन ए पॉजिटिव के पॉजिटिव रुबिडियम और सीजन का साइज क्या है। इस सभी के सभी ग्रुप वन के एलिमेंट है अपने पास, हाँ सर ये बात तो सही लग रही है मुझे। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये एलिमेंट आते हैं ग्रुप वन के अंदर सर। ऊपर से नीचे मूव करने पे एटॉमिक साइज कम अपने पास इंक्रीज कर जाता है सर, यानी कि नीचे आ रहा हूं तो रेडियस बढ़ रहा है सर, यानी कि सीजियम पॉजिटिव का साइज हाइस्ट रहेगा। तो अगर मैं आपसे साइज पूछूं, एटॉमिक साइज पूछूं बेटा, तो सीजियम पॉजिटिव देन रुबिडियम पॉजिटिव देन आपके पास आ जाएगा बच्चों के पॉजिटिव एंड यू हैव फाइनली एन ए पॉजिटिव। लेकिन साइज तो नहीं पूछा सर आपसे, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ आयंस, हाँ तो उसी से आएगा ना बच्चा, अभी उसी से आएगा आपके पास। अभी सीजियम पॉजिटिव का साइज बड़ा है कि छोटा है बताइए मुझे सर। सीजियम पॉजिटिव का साइज बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा साइज रहेगा सर तो हो सकता है इसको चलने फिरने में दिक्कत हो, ऐसा आप सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूं। एन ए पॉजिटिव छोटा है सर, तो छोटा बड़ा खोटा होता है सर, आप जानते हैं जल्दी भाग जाएगा वहां से, तो मोबिलिटी फास्ट रहेगी, स्पीड ज्यादा रहेगी, कंडक्टेंस ज्यादा रहेगी। लेकिन वेट कीजिए, वेट कीजिए, ये सारा तमाशा हवा में नहीं हो रहा, ये सारा तमाशा सोल्यूशन के अंदर हो रहा है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर हो रहा है। अच्छा तो यहां पर हाइड्रेशन चेक करनी पड़ेगी अपने को, और कंसेप्ट कहता है जितना छोटा आयन होता है, जितना स्मॉल आयन होता है उसका उतना ज्यादा हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसको आसपास सराउंड करेंगे, छोटा सा आयन पॉजिटिव है तो इसके आसपास ढेरों वाटर मॉलिक्यूल्स इसको आके सराउंड कर लेंगे। तो अब ये साइज बन चुका है एन ए पॉजिटिव का, ना कि सिर्फ इतना, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेशन रेडियस। और सीजियम पॉजिटिव पहले से बड़ा था तो किसकी हिम्मत हुई नहीं उसके आसपास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसको हाइड्रेट कर सके, तो उसका साइज कंपेरेटिवली इससे अभी भी कम रह गया। यानी कि हमें हाइड्रेशन के बाद का साइज देखना है, ना कि सिर्फ एटॉमिक साइज। तो सीजियम पॉजिटिव बड़ा था लेकिन उसका हाइड्रेशन बहुत कम हुआ, उसको वाटर मॉलिक्यूल काफी कम घेरा, तो उसकी मोबिलिटी अभी भी फास्ट है। सोडियम छोटा था लेकिन उसके आसपास बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, तो उसका घूमना फिरना, मोटा हो चुका खा के, घूमना फिरना कम हो गया अपने पास। अच्छा इसलिए सीजियम पॉजिटिव की क्या बोलेंगे, मोबिलिटी ज्यादा होके आ जाएगी। तो कुल मिला के कंसेप्ट क्या आया अपने पास, सिंपल सी बात है, आंसर विल बी, व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी आपका सी एस सी एल देन आर बी सी एल देन के सी एल देन आपका फटीचर एन ए सी एल। देख लीजिए आप यहां पे एटॉमिक साइज के साथ आपको हाइड्रेशन का फैक्टर चेक करना पड़ेगा, ठीक है पहले बता रहा हूं, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग इस्तेमाल किया मैंने लेकिन ठीक है इतना चलता है, बिकॉज ये सवाल एक बार आ चुका है आपके सीयूटी में इसलिए बता रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन कर लोगे आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या वेरी किया आपने, सीएल माइनस है, बी आर माइनस वेरी किया आपने, आई माइनस वेरी किया, सेम फैक्टर लगा देना, सेम फैक्टर लगा देना आप। आई माइनस का साइज बड़ा है इसके अंदर, सबसे बड़ा साइज आई माइनस का है, तो उसका हाइड्रेशन कम होगा, हाइड्रेशन कम होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा है। सीएल माइनस का साइज छोटा है इसके अंदर, उसकी उम्मीद ये थी कि वो ज्यादा भागेगा, स्पीड ज्यादा होगी उसके, लेकिन छोटा साइज है तो उसका हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ड्यू टू हाइड्रेशन उसकी मोबिलिटी स्पीड कम हो जाएगी। तो अगेन आंसर विल बी सेम देन। आइए भैया बढ़िया, अब हम फैक्टर की बात करते हैं बच्चों कि भाई कैसे हम चेक करते हैं कि हमारी बातें किस पे डिपेंड कर रही। बेटा हम बात करते हैं बच्चों फैक्टर के बारे में कि डायल्यूशन करने से, डायल्यूशन करने से हमारी सारी चीजें कैसे इफेक्ट कर जाती हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है इसलिए बता रहा हूं मैं। पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग की, फिर हम बात कर लेंगे बच्चों यहीं पे वीक के बारे में भी कि डायल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ता है बेटा
ऑन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज ऑन द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज ऑन द वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले बात करेंगे स्ट्रॉन्ग के बारे में, देन बात करेंगे वीक के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा आपको यहां पे। हम दो बातें बात करेंगे भाई, पहले हम बात करेंगे लैम्डा एम पे क्या फर्क पड़ेगा और कापा पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए भी वीक के लिए भी। इधर भी लैम्डा एम पे क्या फर्क पड़ेगा और कापा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, बिकॉज यहीं से हम मूव करेंगे कोलरोस लॉ के अंदर। ध्यान दीजिएगा, आपने पानी मिला दिया, आपके पास NaCl था, मान लीजिए आपके पास एक मोलर NaCl का सोल्यूशन है, आपने उसमें पानी मिलाना स्टार्ट कर दिया, मतलब डाइल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा बताइए मुझे आप। सर पहले देखिए आप ध्यान से कि सर पहले आपके पास 50, मान लीजिए आपके पास 10 Na प्लस थे और 10 Cl माइनस थे, हाँ ठीक है, तो उनके पास पहले स्पेस कम था सर, वॉल्यूम कम थी मूवमेंट करने के लिए। ज्यादा पानी मिलाने से सर वॉल्यूम ऑफ बीकर इंक्रीज करेगी सर, और वही Na प्लस या वही Cl माइनस के पास स्पेस ज्यादा रहेगा सर घूमने फिरने के लिए। बात तो ठीक है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोला कि स्पेस ज्यादा है, गुड, अच्छी बात है, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा। पहले Na प्लस और Cl माइनस पास पास थे, उनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन काम कर रहा था, तो उनकी मूवमेंट कम हो रही थी, Na प्लस भाग नहीं पा रहा था टुवर्ड्स कैथोड, ना ही Cl माइनस टुवर्ड्स एनोड मूव कर पा रहा था, बिकॉज उनके बीच आपस में आकर्षण काम कर रहा था। लेकिन अब चूंकि सोल्यूशन के अंदर वाटर बहुत ज्यादा हो चुका है, तो Na प्लस और Cl माइनस दूर दूर हो चुके हैं, इसका मतलब अब वो Na प्लस को ज्यादा मतलब नहीं है Cl कहां गया, वो अपना फ्रीली मूव करेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ने से, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ने से आपकी आयंस की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर मुझे बताओ स्पीड बढ़ेगी, फ्लो बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, यस और नो, पर कौन सा बढ़ेगा, कापा वाला या लैम्डा वाला, आंसर है लैम्डा एम वाला। पहले हम बात करें स्ट्रॉन्ग के बारे में बच्चों, अच्छा दो बातें बताऊंगा मैं, नंबर ऑफ आयंस ध्यान दीजिएगा, दूसरा है, दूसरा अपने पास मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब स्पीड ऑफ आयंस, बस आपको दोनों बातें चेक करनी है दोनों पॉइंट के लिए। अच्छा ध्यान दीजिए, पूरा फोकस कीजिए यहां पर अच्छे तरीके से, नंबर ऑफ आयंस पे क्या फर्क पड़ा और स्पीड पे क्या फर्क पड़ा। मैंने बोला आपको कि मेरे पास एक मोलर NaCl है, NaCl क्या अपने पास सॉल्ट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या आप HCl मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, या आप NaOH मान लीजिए। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग के बारे में, एग्जाम्पल मैंने ले लिया बच्चों आपके लिए, सपोज HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है सर। तो मुझे बताओ अगर पानी मिला दूंगा, HCl में पहले से सोल्यूशन बन चुका है, और पानी मिलाने से क्या नंबर ऑफ H प्लस या नंबर ऑफ Cl माइनस बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे सर, स्ट्रॉन्ग है पहले से पूरा डिसोसिएट करता है, उसका अल्फा पहले से वन होता है, तो सर नंबर ऑफ आयंस विल नॉट चेंज। तो क्या होगा सर, आपने कहा वॉल्यूम बढ़ेगी पानी मिलाने से, तो सर उनकी स्पीड बढ़ सकती है सर। अच्छा यानी कि स्पीड इंक्रीज करेगी किसके, किस केस के अंदर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो क्या बोलेंगे, लैम्डा एम इंक्रीज कर जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम आपका बेटा इंक्रीज कर जाएगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन। लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें एक पैच है, पैच ये है बेटा कि जो इंक्रीज है वो काफी ज्यादा नहीं होता, बिकॉज स्पीड या मोबिलिटी का फैक्टर जो है वो एक माइनर फैक्टर है, वो एक मेजर फैक्टर नहीं है, इट इज वेरी मच अ माइनर फैक्टर, यानी कि इसको बदलने से ज्यादा चेंज नहीं आएगा, अगर नंबर ऑफ आयंस बदलते तो मजा ज्यादा आता, इट इज अ मेजर फैक्टर। अच्छा समझाऊंगा, ध्यान दो पहले बता रहा हूं मैं, तभी हम कंपेयर करेंगे कोलरोस में जाएंगे इसके बाद। तो क्या बोला मैंने, लैम्डा बढ़ता तो है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, बिकॉज नंबर स्पीड ऑफ आयंस बढ़ रही है, लेकिन स्पीड एक माइनर फैक्टर है, एक छोटा फैक्टर है, तो उसके बढ़ने से ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सो इट इज अ ग्रेजुअल चेंज बेसिकली, इट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल माने बहुत कम, धीरे धीरे बढ़ेगा, ज्यादा इन चेंज नहीं आएगा किसके अंदर, मोलर कंडक्टेंस के अंदर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात करें कापा में क्या होगा, ये सारी बात लैम्डा एम के लिए की मैंने, कापा में क्या होगा आप मुझे सोच के बताओ, अगर पानी मिला दूंगा एक्स्ट्रा पानी मिलाने से कापा कम होगा या ज्यादा होगा, सर बढ़ेगा सर वो भी, क्यों बढ़ेगा भाई, सर मजा आ रहा था इसलिए बढ़ जाए, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। कापा क्या होता है, एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस आ रहे होंगे,
पहले एक यूनिट वॉल्यूम में 10 आयंस आ रहे थे मान लीजिए, अब ज्यादा पानी मिलाने से पीएच बढ़ गया, आयंस फैल गए। अगर आयंस फैल चुके हैं तो उसी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होंगे पहले के मुकाबले या ज्यादा हो जाएंगे? तो पहले के मुकाबले नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। तो अगर उस यूनिट वॉल्यूम में, टोटल की बात नहीं कर रहा, उस यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो कापा की वैल्यू डिक्रीज करती है। यस, तो क्या बोलेंगे? ऑन डाइल्यूशन कापा डिक्रीजेस। कंसेप्ट आपको समझा दिया, समझे ये सारी बातें अपने पास। अब थोड़ा सा यहां आ जाइए, आप किसके लिए बात करते हैं? वीक के अंदर, वीक में क्या रहेगा? आगे हमें दो ही बातें चेक करनी है, कौन सी बात है? नंबर ऑफ आयंस या मोबिलिटी ऑफ आयंस, मतलब स्पीड ऑफ आयंस। अब मुझे बताओ वीक क्या होता है? सर वीक माने कमजोर, कमजोर मतलब केमिस्ट्री में वीक का मतलब होता है बच्चों जिसका अल्फा 1 से काफी कम होता है। बेटा अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, जो बहुत ही कम डिसोशिएट करता है, पार्शियल डिसोशिएट करता है अपने पास। ठीक है सर, जानते इस बात को तब। जैसे कि एग्जांपल क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। तो अगर मैं एसिटिक एसिड को डालता हूं पानी के अंदर तो बहुत ही कम आयंस मुझे मिलेंगे एसिटेट के या H+ आयंस के। अब मैंने बोला कि मैं इसमें डाल दूंगा पानी, तो पानी मिलाने से मजा आ जाएगा। क्यों? पानी मिलाने से आपका अल्फा इंक्रीज कर जाता है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्लास 11 में पढ़ते हैं, अल्फा बराबर के ए बाय सी, सी मतलब कंसेंट्रेशन। हाँ तो क्या करें इसका? करें तो क्या करें, लेकिन आप ध्यान दो, पानी मिलाने का मतलब ये भी तो है, पानी मिलाने का मतलब ये है कि आप कंसेंट्रेशन कम कर रहे हो। हाँ सर, अगर कंसेंट्रेशन कम कर रहे हो मतलब अल्फा बढ़ेगा, बोलो हाँ है ना? अल्फा बढ़ेगा मतलब ये टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करेगा, इसका डिसोसिएशन ज्यादा होगा। पहले मुश्किल से आपको 4 आयंस मिल रहे थे, पानी मिलाने के बाद 4 के जगह 20-25 आयंस आपको मिलेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज करके सिग्निफिकेंटली। और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो जाहिर से बात है वो एक मेजर फैक्टर है टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीविटी। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से आपका लैम्डा एकदम से बूस्ट कर जाएगा, बहुत ही शार्प इंक्रीज करेगा लैम्डा के अंदर। यही एग्जाम का सवाल बनता है कि ग्रेजुअल इंक्रीज करता है स्ट्रॉन्ग के लिए और वेरी शार्प इंक्रीज करता है वीक के लिए। लॉजिक आपके सामने है, बिकॉज इसमें सिर्फ आपका स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज करती है और यहां पर नंबर ऑफ आयंस ही बढ़ जाते हैं जो कि एक मेजर फैक्टर है आपके पास। तो क्या बोला मैंने? पानी मिलाने से, डाइल्यूशन करने से वीक का लैम्डा शार्पली इंक्रीज करता है। अच्छा, तो लैम्डा बढ़ेगा शार्पली, बेटा इंक्रीज करेगा। ऑन डाइल्यूशन इट विल इंक्रीज शार्पली। बात करें कापा के बारे में, बताओ कापा में क्या होगा? कापा में वही है अपने पास, कापा में क्या होगा अपने पास बताया मुझे। अब कापा के बारे में आप सोच के बताएं मुझे, सर कापा का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस जो एक सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे। तो मुझे बताओ पहले एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर एकाध आयंस आ रहे होंगे मुश्किल से। हाँ सर, अब पानी मिलाया आपने तो नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं, टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़े हैं। अगर पूरे बीकर में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो उस यूनिट वॉल्यूम के अंदर भी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे ना। हाँ सर, तो डाइल्यूशन करने से कापा इसका भी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इसमें दोनों इंक्रीज करता है डाइल्यूशन करने से, चाहे वो कनेक्टिविटी हो दैट इज स्पेसिफिक कनेक्टेंस हो चाहे लैम डैम हो, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो दोनों की वैल्यू में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बट लैम डैम हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल चीज है और इसका हम ग्राफ अभी बनाने वाले हैं। द इंक्रीज विल बी शार्प इंक्रीज एंड हियर इंक्रीज विल बी अ ग्रेजुअल इंक्रीज। थ्योरी थी, बहुत थ्योरी की बातें थी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है चलो अब आ जाइए भाई, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देखते हैं कितना आपने पकड़ा चीजों को। द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बताओ मुझे? कोई सॉल्ट सोल्यूशन है किस पे डिपेंड करेगा उसके कंडक्टेंस? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। बेटा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, कितना ज्यादा आयनाइज करेगा, बिकॉज जितना ज्यादा आयनाइज करेगा उतने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे और नंबर ऑफ आयंस बनेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। डन, नेक्स्ट इसका बताइए। द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज ऑफ, किसकी सबसे अधिक कनेक्टेंस होगी? इस सवाल अभी आपको समझाया, चेक करते हैं आपको आता नहीं आता एक बार। फर्स्ट है बेटा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, चारों एसिटिक एसिड के ही आइसोमर है अपने पास। अच्छा, ये सिंपल वाला, ये क्लोरो फ्लोरो डाई फ्लोरो, यानी चारों के चारों कमजोर है। ओ भाई
कभी के सभी कमजोर इकट्ठे कर लिया आपने तो। कुछ बताओ कंसेंट्रेशन के बारे में, कंसेंट्रेशन भी बराबर है, आप क्या करें बताओ, कंसेंट्रेशन भी बराबर है और सभी के सभी वीक हैं, फिर भी कम वीक ज्यादा वीक ऑर्गेनिक का कंसेप्ट लगाइए थोड़ा सा आप, क्या बात करो सर आप। क्लोरो फ्लोरो डाई फ्लोरो क्लोरीन क्लोरीन ये सब क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप्स लगाने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। याद आया, हाँ सर हल्का हल्का याद आ रहा है। माइनस आई ग्रुप लगाने की वजह से, माइनस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं, माइनस आई ग्रुप लगने की वजह से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये सवाल बोर्ड का आपके, अच्छा यानी कि दो दो फ्लोरीन होंगे, अगर दो दो फ्लोरीन है तो काफी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इस एसिड की बढ़ गई होगी, रहेगा वीक ही लेकिन उनके मुकाबले थोड़ा सा बेटर हो गया होगा। तो अगर ये थोड़ा सा बेटर हो गया सर तो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आ जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आएंगे बिकॉज अल्फा बढ़ गया, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर ये हो जाएगा बिकॉज इसके अंदर कंडक्शन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब है तो वीक लेकिन बिहेव स्ट्रॉन्ग की तरह करेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप्स अटैच टू इट। थोड़ा सा ऑर्गेनिक मिला के सवाल पूछा गया लेकिन ठीक है, वो ऑर्गेनिक बेसिक वाली थी, मुश्किल नहीं था अपनी बस। अब आइए कुछ क्वेश्चन बनाए, थ्योरी तो हमने कर ली भाई, बेसिक बेसिक थ्योरी, कुछ क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट से। द रेजिस्टेंस ऑफ 1/10, अच्छा गुड, कितना मोलैरिटी कितनी है, 1/10 मोलर है, अच्छा इतनी कंसेंट्रेशन गिवन है। इस फाउंड टू बी दिस, क्या गिवन है ये रेजिस्टेंस बेटा, गिवन आपके पास 2.5 × 10⁻³ ओम, गुड। द मोलर कनेक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपसे पूछा है लैम्डा एम बता दीजिए भैया, बता देंगे, चिल्ला क्यों रहे हो, ऐसे बता देंगे हम तो। सेल कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, सेल कॉन्स्टेंट माने जी स्टार मुझे दिया हुआ है, कितना दिया है बताओ मुझे, 1.25 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, गुड, यानी कि मुझे अपना आंसर सेंटीमीटर में निकालना होगा बिकॉज अगर जी स्टार सेंटीमीटर में है तो कापा भी आपका साइमन पर सेंटीमीटर में आएगा, और कापा अगर साइमन पर सेंटीमीटर में आएगा तो आपका लैम्डा एम भी आएगा साइमन पर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मूल, करके देखते हैं ना यार। तो पहले कापा निकाल लीजिए ना यार, बिकॉज आपको पता है लैम्डा एम निकालने के लिए कापा चाहिए होता है, तो कापा निकाल लो, कापा बराबर जी मल्टीप्लाई बाय जी स्टार, बढ़िया सर, जी क्या होगा 1/R इंटू जी स्टार, शानदार सर, शानदार तो है, तुम ही करोगे भाई, बताओ के वैल्यू क्या आने वाली है, तो व्हाट इज के, इट इज 1/R, 1/R, आर कितना ये बेटा, आर कितना हो जाएगा 25 और ये 10^2 हो जाएगा इंटू जी स्टार, कितना जी स्टार बेटा 1.25, अच्छा कितना आएगा बताओ, निकाले 125 × -2, पावर ऊपर जाएगी माइनस टू बनेगी, बटा 25, 5 × 10⁻⁴ साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर आपका आंसर आ चुका है, यहां ध्यान दीजिएगा कापा की वैल्यू, कापा आ चुका है अपने पास, ठीक है। कंसेंट्रेशन मुझे पता है कितनी मोलैरिटी है, क्या निकालना है मुझे सर, निकालना है आपको लैम्डा एम की वैल्यू, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000/C, 1000 आएगा ऊपर बिकॉज हम सेंटीमीटर में डील कर रहे हैं, व्हाट इज कंसेंट्रेशन 0.1 आ जाएगा कंसेंट्रेशन की वैल्यू 0.1, कापा कितना है, कापा आपके सामने जिंदाबाद है, 5 × 10⁻⁴ 10^3, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा, 10, 5 × 10⁴ 3 × 4 − 4 कितना आ जाएगा अपने पास ये बेटा, 4 आ जाएगा, 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑब्वियसली आप लोग अपनी कैलकुलेशंस खुद चेक कर रहेंगे और यहां पे कुछ अगर गड़बड़ होगी तो कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिएगा, बट अपनी जान में मैंने ठीक किया है। चलिए आसान है सर ये तो, हाँ मतलब ठीक है, आसान मुश्किल क्या होता है, बेसिक सवाल है, और यही सवाल आपके एग्जाम्स में बोर्ड में बेटा आता है, ना इसे ज्यादा पढ़ना है बेटा ना इसे कम पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा ज्यादा पढ़ के बोर्ड में फुल मार्क्स नहीं आते, बोर्ड में फुल मार्क्स तभी आते जब आप बिल्कुल सटीक पढ़े, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़े बेटा। मैं चाहूं तो इस चैप्टर को 20 घंटे पढ़ा सकता हूं पर फायदा कुछ नहीं उसका,
वो एडवांस के लिए है, 20 घंटे 22 घंटे, आपके लिए 4 घंटे 3 घंटे से पूरा हो जाएगा आपका। तो वन शॉट देखिए, मजे लीजिए, ठीक है, काम हो जाएगा आपका बच्चा। अब आ जाते हैं बेटा आपके पास फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कोल्ड्रोश के अंदर बात करते हैं। अब कोल्ड्रोश से पहले अगर हम बात करें भाई कि कोल्ड्रोश की जरूरत क्यों पड़ी, तो बेटा कोल्ड्रोश की जरूरत पड़ी बिकॉज इस पंगे से। पंगा क्या था? पंगा ये था बेटा, कोल्ड्रोश से पहले हमने बनाए थे ग्राफ। अच्छा, कोल्ड्रोश भाई साहब इस पहले लोगों ने ग्राफ बनाया था, देखो ध्यान से ग्राफ था बेटा ये वाला, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, रूट सी माने, सी माने कंसेंट्रेशन, यहां लैम्डा एम था, दैट इज वी हैव मोलर कंडक्टेंस एंड हियर वी हैव कंसेंट्रेशन। तो बिफोर कोल्ड्रोश एक ग्राफ प्लॉट किया गया इस इक्वेशन के थ्रू, लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी, विच इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, वेयर बी इज एनी कॉन्स्टेंट एंड लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन, एंड लैम्डा एम नॉट क्या होगा, इट इज द मोलर कनेक्टेंस और कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कनेक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इतना पानी मिला दो कि बाल्टी भर के डाल दो उसके अंदर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दीजिए। तो ग्राफ कैसा आएगा सर? तो ग्राफ बेटा कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया आपने, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ ऐसा है बेटा। अच्छा, ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा बेटा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिला। अच्छा नहीं, अच्छा तो अब आएगा ना, देखो ध्यान से, ये देखो क्या हो गया, अगर मैंने इस लाइन को एक्सट्रापोलेट किया और इस वाई एक्सिस पे टच कर दिया मैंने, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका लैम्डा एम इनफाइनाइट मतलब नॉट, दैट इज द, ये जो वैल्यू आपके पास है लैम्डा एम नॉट, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सर ग्राफ क्लियर नहीं हुआ सर मुझे, यहां ध्यान दो एक बार, मैं क्या कह रहा हूं, लैम्डा एम और सी की बात करो तो मुझे बताओ कंसेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन कम करना, या उल्टा बोल लीजिए अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं, इस तरफ आने का मतलब क्या होगा, इस तरफ आने का मतलब है कंसेंट्रेशन कम कर रहे हैं, यस वो इस तरफ आने का मतलब है कंसेंट्रेशन कम कर रहे हैं, मतलब डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे, जितना पानी ठोकोगे कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो आप पानी ठोक रहे हो, पानी मिला रहे हो, मिला रहे हो, मिला रहे हो, यस हाँ सर, बाल्टी भर के डाल दिया आपने, तो आपकी कंसेंट्रेशन बहुत कम होगी, डाइल्यूशन बहुत हाई हो गया। तो मुझे बताओ पहले आपका स्ट्रॉन्ग का लैम्डा कितना था, काफी कम था, पानी मिला रहे हो मिला रहे हो मिला रहे हो बेटा, तो आपको बोला कि लैम्डा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यस। तो उसी बात को मैंने प्रूफ किया है कि पानी मिलाने से मैथमेटिकली भी ग्राफिकली भी लैम्डा बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी और वीक के लिए भी, पर वीक के लिए बेटा ग्राफ एकदम शार्प इंक्रीज करता है और स्ट्रॉन्ग के लिए एक ग्रेजुअल इंक्रीज करता है। अच्छा, लेकिन वीक के लिए बेटा मैं इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके इस ग्राफ से ही लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल सकता हूं। क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग के लिए मैं इसी ग्राफ से लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल सकता हूं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मैं इस ग्राफ से लैम्डा एम इंफिनिट नहीं निकाल सकता। इसलिए मुझे जरूरत पड़ी थी कोल्ड्रोश भाई साहब की, कोल्ड्रोश लो की। उसने कहा कोई चिंता मत करो आपके पास स्ट्रॉन्ग का डाटा है, मैंने कहा मेरे पास स्ट्रॉन्ग का डाटा अवेलेबल है तो मैं आपको दूंगा स्ट्रॉन्ग का डाटा, आप मुझे स्ट्रॉन्ग के डाटे के थ्रू वीक की वैल्यू निकाल के देंगे, बिकॉज इस ग्राफ से आप वीक की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे। कैसे निकाल नहीं पाएंगे? बिकॉज ये इस लाइन के पैरेलल जा चुका है, कभी कट नहीं करेगा, कभी वैल्यू कट नहीं करेगी तो आपके पास लैम्डा एम नॉट नहीं आएगा जो कि आपके पास इंटरसेप्ट है। अच्छा, इसलिए ग्राफिकली आप इससे निकाल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग का व्हाट इज लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, आ जाएगी वैल्यू, निकालते भी हैं बेसिकली। तो ये आपका किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है और ये किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। वीक का डाटा यहां से निकालने से, डाटा कौन सा डाटा, माने लैम्डा एम नॉट की बात कर रहा हूं मैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू क्या आएगी उसकी बात कर रहा हूं मैं, वो आप यहां से नहीं निकाल पाओगे वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए यू कैन यूज द ग्राफ एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। तो फॉर वीक वी हैव टू मूव टुवर्ड्स कोल्ड्रोश भाई साहब, ठीक है। कोल्ड्रोश क्यों पढ़ते हैं बता रहे हो मैंने, कोल्ड्रोश का पंगा क्यों पड़ा, अब कोल्ड्रोश के पास चलते हैं। कोल्ड्रोश गजब सेंटेंस है भाई, गजब सेंटेंस कोल्ड्रोश। कोल्ड्रोश कहता है भैया देखो
बड़ा आसान है, कुछ खास नहीं करना आपको। मैंने क्या करना बताओ, कहता आपके पास मान लीजिए ए एक्स बी वाई टाइप का कोई कंपाउंड है। मैंने कहा ठीक है, सो कैसे ब्रेक करेंगे? मैंने कहा ब्रेक कर लेंगे भैया, एक्स ए है चार्ज वाई प्लस, प्लस वाई बी है चार्ज एक्स माइनस, ऐसे ब्रेक करते हैं जैसे एनएसएल तोड़ दिया आपने इस प्रकार से। कहता बस आपको आयंस तोड़ने आते हैं? मैंने कहा बस इसी फॉर्म में हम लिख देंगे उस सब्सटेंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंटेंट्स। कैसे? कहता ये वाला काम करेंगे। कहता ऐसा कीजिए आप, अगर हम उस सब्सटेंस का निकालना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एन की वैल्यू, तो ऐसे निकाल देंगे। कितना है एक्स है, एक्स इंटू लैम्डा एन इंफिनिटी ए वाई पॉजिटिव प्लस, कितना टाइम्स है वाई है तो वाई आगे आ जाएगा, वाई टाइम्स लैम्डा इंफिनिटी किसके लिए, बी के लिए एक्स माइनस। अच्छा ये तो बढ़िया सिस्टम है सर ये तो आपका, यानी कि आप कुछ नहीं करना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप निकाल सकते हो लैम्डा एम इंफिनिटी, बस आपको आयंस की वैल्यू पता होने चाहिए। ये है पूरे कम, ये लैम्डा एम क्या बेटा, ये पूरे कंपाउंड का लैम्डा एम शो कर रहे हैं, और स्मॉल लैम्डा क्या शो कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर आयंस की लैम्डा एम की वैल्यू शो कर रहे हैं। अच्छा यानी कि एन ए प्लस की लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है, सी एल माइनस की लैम्डा एम की वैल्यू कितनी है, इस प्रकार से। और किसी भी स्ट्रॉन्ग की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं यूजिंग ग्राफ, तो हम स्ट्रॉन्ग की वैल्यू निकालेंगे ग्राफ से, यहां पुट कर देंगे और उस किसी उस सब्सटेंस की, किसी भी वीक सब्सटेंस की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे एसिडिक एसिड का चाहिए लैम्डा एम इनफाइनाइट, तो अब एसिडिक एसिड कैसे निकालूंगा मैं, तो मैं कहीं से लेके आऊंगा एच प्लस को, और मैं कहीं से लेके आऊंगा एसिटेट आयन को। अच्छा उनको ऐड कर दूंगा तो एसिडिक एसिड का लैम्डा एम इनफिनिटी आ जाएगा। अब सर मुझे ये बताइए, ये बात तो आपका सही है, बिल्कुल सही है, गजब बात है सर, कि अगर मुझे लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है, अगर मैं बेटा इन्फिनिटी मेंशन करूं या नोट मेंशन करूं, एक ही बात है बेटा, ये बोलूं या ये बोलूं एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन क्या होगी, जीरो, टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, डाइल्यूशन क्या हो गया, इन्फाइनाइट, तो एक ही तो बात है। अरे बाल्टी भर के मिला दूंगा तो कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो नहीं हो जाएगी, हाँ, और डाइल्यूशन ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो एक कैसे लिख लीजिए आप, समझ गए। अच्छा सर अगर मुझे चाहिए एसिडिक एसिड का मसाला जो कि वीक है, कैसे निकालेंगे सर, कोलरोस बोलता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाए, कहीं से भी लेके आ जाओ एसिटेट आयन की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है ले आऊंगा, मैं जुगाड़ करता हूं, मैं कहीं से भी लेके आ जाओ एसिटेट आयन की वैल्यू, और प्लस कहीं से भी लेके आ जाओ एच प्लस की वैल्यू, और दोनों को एड कर दो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू कहां से आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी HCl से जो कि स्ट्रॉन्ग है, ये वैल्यू आ जाएगी सोडियम एसिटेट से जो कि सॉल्ट है, अगेन स्ट्रॉन्ग है। अच्छा तो किसी स्ट्रॉन्ग के आयंस चुरा के मर्ज करके वीक का वैल्यू निकाल लेंगे, कोलरोस भाई जिंदाबाद। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, सवाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन करने के बाद। पहले कुछ एप्लीकेशन की बात करेंगे बेटा, कि कोलरोस के थ्रू आप लैम्डा एम निकाल सकते हैं जो कि आपको बताया मैंने, और कोलरोस के थ्रू बेटा आप उस लैम्डा एम के थ्रू आप वीक एसिड या वीक बेस का अल्फा भी निकाल सकते हैं, के ए या के बी भी निकाल सकते हैं जो कि आयनिक से मैच करता है आपका, आयनिक इक्विलिब्रियम से अपने पास, अल्फा मतलब के बाय के अल्फा स्क्वायर, एंड सिमिलरली फॉर वीक बेस इट इज के बी अल्फा स्क्वायर, तो आराम से निकाल सकते हैं के ए या के बी की वैल्यूज को। अच्छा कैसे सर, तो बात करते हैं भाई एप्लीकेशन के बारे में सबसे पहले, कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। दो तीन एप्लीकेशन इसके पास बड़ी गजब है बेटा। पहले एप्लीकेशन तो आपको मैंने बताया लैम्डा एम निकालने वाले, जो भी बताया मैंने आपको। अच्छा और भी कुछ एप्लीकेशन है, हाँ हम निकालेंगे बेटा अल्फा की वैल्यू, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हाँ सर लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन दिया होगा, ये है एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन निकाल लेंगे अल्फा आ जाएगा। अच्छा प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कंसंट्रेशन पे दिया होगा, ये कोलरोस निकाल लेंगे और अल्फा आ जाएगा किसी वीक के लिए, वीक एसिड वीक बेस के लिए, और अल्फा आ गया एक बार तो आप उस वीक एसिड वीक बेस का के निकाल सकते हैं, के क्या होगा सी अल्फा स्क्वायर, अगर वीक बेस रहेगा तो के भी निकाल लेंगे, दैट इज आयनेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वीक बेस सी अल्फा स्क्वायर, सी माने कंसंट्रेशन। अच्छा अल्फा यहां से निकाल लेंगे,
सी कंसंट्रेशन पता होती है, पुट करते के भी बाहर, खत्म क्वेश्चन। यानी किसी भी वीक एसिड वीक बेस का के ए के बी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ओके गुड, कुछ क्वेश्चन करके देखें, आई थिंक बेटर रहेगा। कुछ क्वेश्चन करें बच्चों, आओ। द लैम्डा एम नॉट, अच्छा पहले से दिया हुआ कुछ ना कुछ, तो क्या दिया बताओ मुझे। मुझे दिया है लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी है, फॉर सोडियम आयोडाइड सोडियम एसिटेट एंड मैग्नीशियम एसिटेट इज दिस, इसकी वैल्यू बेटा अपने पास 12.69, किसकी है देखेंगे अभी, लिख लेते हैं पहले, तो बात भी सही है सर, 9.10 लैम्डा एम इंफिनिटी, पहले वैल्यूज कॉपी कर लीजिए, किसकी है देख लेंगे अभी, दो तीन मसाला होगा अपने पास, ठीक है। कौन है पहला, पहला अपने पास है सोडियम आयोडाइड का, अच्छी बात है, दूसरा है सोडियम एसिटेट का, ये सारे सोल्ट हैं और सभी सोल्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं, थर्ड है मैग्नीशियम एसिटेट का, मैग्नीशियम एसिटेट का थर्ड अपने पास मैग्नीशियम एसिटेट का, आपसे पूछा है कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर मैग्नीशियम आयोडाइड, इन तीन को इस्तेमाल करके मैग्नीशियम आयोडाइड की वैल्यू निकालने को बोला आपसे, अच्छा हमसे पूछा है लैम्डा एम नॉट की वैल्यू बताइए फॉर मैग्नीशियम आयोडाइड MgI2, क्या करेंगे सर, कोलरोश लॉ इस्तेमाल करेंगे, कोलरोश को चेक करते हैं कि कोलरोश के हिसाब से आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहले क्या चाहिए बताओ मुझे, ऐसे क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले क्या करना है वो बताइए आप मुझे, सबसे पहले बेटा जो निकालना है ना उसको रिप्रेजेंट कर लीजिए आप, कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, MgI2 पूछा आपसे, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा इंफिनिटी Mg2 प्लस, बोलो हाँ है ना, और 2 आगे आ जाएगा आयोडीन में, 2 टाइम्स लैम्डा इंफिनिटी आई माइनस, यानी कि अगर मुझे कहीं से खबर मिल जाती है कि Mg प्लस की और आई माइनस की वैल्यू क्या है तो मैं निकालूंगा इसका पूरा आंसर, और उनकी वैल्यूज के लिए मुझे कुछ डाटा दिया हुआ है बेटा, मुझे चाहिए सर आई माइनस, कहां से मिलेगा सर, मेरा आई माइनस यहां से आ रहा है सर, और मुझे चाहिए बेटा Mg2 पॉजिटिव, वो यहां से आ जाएगा, अच्छा यहां से Mg आ जाएगा, यहां से I आ जाएगा, I मुझे ट्वाइस चाहिए, दो बार मुझे I चाहिए, ये रहा, तो मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, Mg मुझे एक ही बार चाहिए तो इसको 2 से करके इससे ऐड कर दूंगा, ठीक है सर, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो Mg के साथ मुफ्त में क्या आएगा, एसिटेट आ जाएगा, नहीं चाहिए मुझे, तो I के साथ मुफ्त में क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, वो भी नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करें सर भाई, जब आई और Mg चाहिए आपको साथ में ये भी तो आएंगे, तो 1 और 3 को ऐड करने के साथ सेकंड में से माइनस भी कर देंगे, बिकॉज यहां पे एन आएगा फर्स्ट में, उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा सेकंड के साथ तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, हाँ सेकंड में एसिटेट आ रहा है, थर्ड में एसिटेट आ रहा है, माइनस कर देंगे सेकंड थर्ड को तो फिर आपका एसिटेट गायब हो जाएगा, चालू करें आओ, बढ़िया सर मजा आएगा, तो बताओ फाइनल करना क्या है सर, मुझे चाहिए 2 बार आई माइनस, तो इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी, सीधा करना एग्जाम के अंदर, पहले बताओ सीधा मारना आपका एग्जाम में, ऑप्शन टिक मारना सीधा सीधा एग्जाम में, अगर 2 बार आई माइनस ये क्या करेंगे सर, 2i माइनस का मतलब है इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इस वैल्यू को करूंगा मैं तो ये वैल्यू भी डबल हो जाएगी ना, अच्छा तो ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा सर, फिर आई के साथ मुझे चाहिए प्लस में Mg, तो ए और सी को ऐड करना पड़ेगा, Mg मुझे एक ही बार चाहिए तो एक ही बार Mg आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब मुझे B नहीं चाहिए सर, और B हटाना पड़ेगा मुझे, बिकॉज A लाने के चक्कर में 2 Na आ चुका है और C के चक्कर में 2 acetate आ चुके हैं, 2 Na+ आ चुके हैं बिकॉज ऑफ A एंड 2 acetate आ चुके हैं बिकॉज ऑफ C, तो मैं क्या करता हूं सेकेंड को माइनस करता हूं 2 twice करके, अच्छा बिकॉज ट्वाइस करके माइनस करूंगा तो 2 Na गायब और 2 acetate गायब हो जाएगा, मेरा फाइनली क्या बचेगा, आई माइनस बचेगा और Mg बचेगा यहां से, तो बस खत्म क्वेश्चन, 2 into A की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है 12.6, C की वैल्यू कितनी है बेटा, C की वैल्यू है 18.78 माइनस ट्वाइस ऑफ B, B की वैल्यू क्या है बेटा 9.10, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत समझदार हैं, हां सर हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर है, खत्म क्वेश्चन।
तो कोरोस पे क्वेश्चन बेटा आपको ऐसे एग्जाम में सॉल्व करना रहेगा। डन, चलिए चलो एक क्वेश्चन मारते हैं सवाल को। आओ भैया ध्यान दीजिएगा, लैम्डा एम नॉट फॉर सोडियम एसिटेट HCl NaCl दिस आर दिस, ठीक है, क्या गिवन अपने पास, सोडियम एसिटेट गिवन अपने पास, ठीक है, सोडियम एसिटेट, दूसरा अपने पास गिवन है बेटा जी HCl, तीसरा गिवन अपने बेटा अपने पास NaCl, तीनों का मुझे गिवन है। अगेन मुझे कोलरोस का कुछ लग रहा है पंगा होगा, सोडियम एसिटेट कितना बेटा 91 है, 91.0, व्हाट इज HCl की वैल्यू 42.425.9, इसका 126.4 रेस्पेक्टिवली सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर CH3COOH, आपसे पूछा है CH3COOH की वैल्यू क्या होगी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, तो मुझे बताओ अगर मुझे एक इस वीक सब्सटेंस की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा। सर बड़ा आसान है सर, सेम क्वेश्चन है ये, तो सर इन तीनों को अरेंज करते हैं ताकि ये आ जाए, ये एसिटेट कहां से आ रहा होगा बेटा, ये आ रहा होगा ऑप्शन नंबर ए से, H कहां से आएगा, H आएगा यहां से सर, लेकिन जब A को लूंगा और H को लूंगा तो मुफ्त का CL आ जाएगा, मुफ्त का Na आ जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए, मुफ्त का मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, तो क्या करेंगे इस CL और Na को हटाने के लिए थर्ड में से माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा A प्लस B माइनस C, खत्म। A की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, B की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, माइनस C कर दीजिएगा, वो आपका आंसर है। इससे आसान सवाल मैंने जीवन में देखा नहीं है, बट ये आपके एग्जाम का सवाल है, ठीक है, कंसेप्ट आने के बाद सब बेटा आसान हो जाता है, ये बात सही कह रहे हो सर आप, ये बात एकदम परफेक्ट है सर, कंसेप्ट आ गया आसान है, नहीं आया तो मुश्किल है सर, यही जीवन है बेटा, क्या कर सकते हैं भैया। ये सवाल क्या है भैया, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, आइए। द कनेक्टिविटी ऑफ 0.0240 भाई, व्हाट इज कंसंट्रेशन 0.00241, अरे भैया क्या सवाल है, गजब। एसिटिक एसिड इज दिस मच, सर क्या गिवन है, ये छोड़ो क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये साइमन पर सेंटीमीटर, वो क्या होता है, वो तो कापा होता है, तो कापा ही गिवन है ये, उसको छोड़ो क्या बोल रहा है, वहां देखो वहां क्या गिवन है, उस तरीके से, बिकॉज अक्सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चे धोखा खाते हैं यूनिट्स के साथ, 5 साइमन पर सेंटीमीटर, कंसंट्रेशन पता है, कापा पता है, तो लैम्डा निकाल लूंगा चाहेगा तो, क्या गिवन है, लैम्डा एम नॉट गिवन है, अच्छा पहले से दे दिया मुझे, गुड, कितना बेटा 390.5 इसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, अच्छा आपसे वीक एसिड का अल्फा पूछा है और वीक एसिड का आपसे के ए की वैल्यू पूछी गई है बेटा, अल्फा कैसे निकालेंगे सर, अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला आपने बताया था, अल्फा बराबर लैम्डा एम एट एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये मुझे पता है पहले से, देखिए लैम्डा निकालना है, निकाल लेंगे सर, कापा दिया हुआ निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, लैम्डा एम बराबर कापा, व्हाट इज कापा की वैल्यू, कापा इंटू 1000 करेंगे सेंटीमीटर में बाय कंसेंट्रेशन, यहां से लैम्डा में आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ेगा पहले बता रहा हूं, करना एग्जाम के अंदर, कैश छोड़ के आ जाओ, लैम्डा निकाल लोगे यहां से वैल्यू पुट करके, निकाल लेंगे सर, डोंट वरी, एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी देगा आपको, ये कुछ वैल्यू मैंने इसमें टफ कर दिया आपके लिए, ठीक है, पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो लैम्डा आ जाएगा, आ जाएगा सर, इस लैम्डा को यहां पुट कर देंगे, कर देंगे, लैम्डा नॉट पता है, पता है सर, तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और अल्फा 1 से बेहद कम आएगा, अल्फा आ गया तो क्या पूछा उनसे, के की वैल्यू पूछे बेटा, तो व्हाट इज के, सी अल्फा स्क्वायर, सी पता है, हां पता है सर, कौन सी कंसंट्रेशन पता है, ये वाली सी, सी यहां से आ गया, अल्फा निकाल लिया, तमाशा खत्म, ये आपका आंसर आ गया, ये तो बढ़िया है सर, ये तो बड़ा आसान है, बस इसके बाद सवाल आज तक आए नहीं है, ना इसके बाद आए, गारंटी मेरी है, सारी बात कवर करा चुका हूं, ठीक है, बोर्ड में कुछ नहीं छूटने वाला आपका इस टॉपिक से। चले थर्ड पार्ट की तरफ, अब चलते बेटा आपके थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे आसान पार्ट है, बड़ा फर्जी पार्ट है ये तो, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये देखिए आपके लिए एक मैं थोड़ा सा बीकर यहां पे डिजाइन किया, ओ भाई साहब अच्छा लग रहा है सर, वैसे तो ये बीकर देखिए ध्यान से, ये क्या है, एनोड टर्मिनल है अपने पास, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम यूज करते हैं
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओहो ओके सर, टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, और इस सेल के अंदर बेटा हम जो बातें करते हैं उसकी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपका सेटअप है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जिसके अंदर एनोड आपका है इस बार पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन एनोड के पॉजिटिव होने से मतलब ये नहीं है कि वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नहीं, एनोड अभी भी वही जगह है जहां पे ऑक्सीडेशन किया जाएगा, सिमिलर टू गैल्वेनिक सेल। कैथोड हो चुका है आपका नेगेटिव, लेकिन ये वही जगह है जहां पे अभी भी रिडक्शन किया जाएगा। अच्छा, यानी कि अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमें किसी रिएक्शन को करवाना है, सपोज आपको करवाना है NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, खुद नहीं होने वाला, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें बिजली पास करनी पड़ेगी, हमें सरकारी बिजली खर्च करनी पड़ेगी, तब जाके आपका NaCl डिकम्पोज होगा या वहां से हमें कुछ रिएक्शन मिलेगी। यानी किसी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, सो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका मतलब ये रिएक्शन हमें करवानी पड़ेगी। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, बेसिक बात है ये, तुमको पता है सर, लेकिन कुछ अच्छी बात बताइए इसके बारे में। अच्छी बातें क्या होती है, हाँ अच्छी बात बताइए। यहां देखो, सपोज आपके पास NaCl है, कौन सा वाला, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ NaCl, NaCl लिया गर्म किया पिघला दिया, अच्छा मजा आ गया, गुड, क्या बनेगा इसके अंदर, Na प्लस आएगा सर, सिलिमनस आएगा। कटायन हमेशा भागते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, अब नेगेटिव प्लेट कौन सी है इस बार, कैथोड है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कटायन हमेशा भागेंगे टुवर्ड्स कैथोड, अनायन हमेशा भागेंगे टुवर्ड्स एनोड, बिकॉज कटायन भागेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट दैट इज कैथोड, और ये भागेंगे टुवर्ड्स एनोड। अच्छा, तो ये जाएंगे बेटा टुवर्ड्स, ये मूव करेंगे टुवर्ड्स अनायन के लिए एनोड, कटायन के लिए कैथोड। समझ गया सर, ये तो बड़ा आसान लग रहा है मुझे। यानी कि अगर इस बीकर में हम भर देंगे NaCl, तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, तो Na पॉजिटिव आयन भागेंगे बेटा टुवर्ड्स कैथोड प्लेट, और वहां डिपॉजिट हो जाएंगे, और Cl माइनस बेटा जी आपका जाएगा, चूंकि नेगेटिव है ये जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट कौन सी है इस बार, आपकी एनोड है, और वहां जाके ये लिबरेट या डिपॉजिट हो जाएगा। तो यही हमको पढ़ना होता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, कि कौन सा आयन और कौन सा कटायन कहां डिपॉजिट होगा और क्या बनने वाला है। जो बनने वाला है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे रहेगा आप ध्यान दीजिएगा, कैसे रहेगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूं कि कैसे कैरी आउट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को, कैसे कैरी आउट करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस को। एग्जाम्पल मान लीजिए आप मोल्टन NaCl जो भी लिया था मैंने, मोल्टन NaCl, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे Na पॉजिटिव है, कहां जाएगा टुवर्ड्स कैथोड जाएगा, Cl माइनस से कहां जाएगा टुवर्ड्स एनोड जाएगा, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कैथोड रिएक्शन क्या होती है बेटा, कैथोड वो जगह है जहां पे हमेशा रिडक्शन किया जाता है। Na प्लस खाएगा गर्म गर्म इलेक्ट्रॉन्स, बनेगा Na सॉलिड, और वहां डिपॉजिट हो जाएगा टुवर्ड्स कैथोड, एट कैथोड। एनोड क्या होगा बेटा, एनोड वो जगह है जहां पे होता है आपका ऑक्सीडेशन, ओके, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Cl2 गैस बन जाएगी सर, और यहां से, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या हुआ भाई फाइनली एग्जाम में क्या हुआ, तो तुम मुझे बता सकते हो कि सर अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और Na पॉजिटिव मोल्टन स्टेट में है, Na पॉजिटिव मोल्टन स्टेट में लिक्विड स्टेट में है, Cl माइनस मोल्टन लिक्विड स्टेट में है, क्या बनेगा, Na बनेगा सॉलिड जो कि बनेगा कैथोड पे, बनेगा हाफ Cl2 गैस जो कि लिबरेट होगी एट एनोड, और ये है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस की कंप्लीट रिएक्शन जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, कि मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखा दीजिए, तो ये आपको करके दिखा देना है। ये तो कर देंगे सर, आसान है, मुश्किल आप देख लीजिए अपनी लेवल पे और चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जो बना है इनको बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।
कितना बना सर? कितना मत पूछो, क्या बना ये पूछो। इट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, नॉट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। कितना बना है, नहीं कितना मत पूछो कितना बना है, कितना बना है समझेंगे फराडेस के अंदर। दैट इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, इट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि क्या बना है, सोडियम बना है या नहीं बना है। अब कितना बना है, अमाउंट कितना है, वो सब देखेंगे फराडेस लॉ के अंदर। अच्छा ये तो बढ़िया है सर, आइए अब पता करते क्वांटिटी कितनी बनी है। आपने पूछा ना अभी कि सर कितना अमाउंट बना है बताइए, तो क्वांटिटी बताने के लिए भाई आपने चार्ज सप्लाई किया है, चार्ज सप्लाई करने के बाद कुछ क्वांटिटी बनेगी आपकी, तो कितना प्रोडक्ट बना है, कितना क्वांटिटी में आपका बना है कंपाउंड, वो आपको पता करना है कि सीएल टू गैस कितनी बनी सर, सोडियम कितना डिपोजिट हुआ। तो अमाउंट पता करने के लिए, क्वांटिटी पता करने के लिए हम यूज करते हैं फराडे भाई का नियम, दैट इज फराडे लॉस। ये बोलता है इसके हिसाब से सिंपल सी बात है बेटा, ये बोलता है मास बराबर जेड आई टी। अच्छा मास बराबर जेड आई टी, आई टी माने चार्ज। सही कहता है कि जितना चार्ज सप्लाई करोगे उसके प्रोपोर्शनल आपका मास डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जितना खर्चा करोगे, जितना बिजली दोगे, उस बिजली के प्रोपोर्शनल आपका मास डिपॉजिट या मास एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द कैथोड या टुवर्ड्स एनोड। अच्छा जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डिपोजिशन, सिंपल सी बात है भाई। जितना खर्चा दोगे उतना फायदा होगा, सिंपल सी बात है। जितना चार्ज सप्लाई करोगे बैटरी से उतना ज्यादा मास या अमाउंट डिपॉजिट होगा। तो ये व्हाट इज एम, अमाउंट या मास डिपॉजिटेड एट कैथोड या एट एनोड। अच्छा तो ये इसका फंडामेंटल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है इसका, फंडामेंटल फॉर्मूला है जो कि नियम से निकल के आता है। लेकिन इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, इसको वर्किंग फॉर्मूला बनाते हैं। वर्किंग फॉर्मूला मतलब जो हम एग्जाम में यूज करेंगे उसको बोलते हैं वर्किंग फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे सर एग्जाम में, देखो एम बराबर जेड, जेड इज ई बाय 96500 into IT. I करंट है हमेशा एम्पियर में रहेगा, टाइम टी टाइम है हमेशा सेकंड्स में रहेगा आपका, ठीक है सर। व्हाट इज ई, जेड क्या है, जेड आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, नाम है उसका बस। जेड का फॉर्मूला होता है बेटा ई बाय 96500, ई इज इक्विवेलेंस मास, ई मतलब इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट बोल लीजिए, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। वो क्या होता है सर, हाँ हाँ मुझे पता है आपकी गर्वी नहीं आती, यहां ध्यान दो चिंता मत करो। मोलर मास पता है, हाँ वो तो पता है सर, मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर, खत्म बात। जो ई है आपका इक्विवेलेंट मास है वो क्या होता है, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। अच्छा पुट कर दीजिए वैल्यू को, कितना मास डिपोजिट होगा, दैट इज मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर 96500 इंटू आई टी, टी मस्ट बी इन सेकेंड्स। ये आपका फॉर्मूला जिंदाबाद है, वर्किंग फॉर्मूला है। अगर मास डिपॉजिट निकालना हो तो पुट कर देंगे मोलर मास उस सब्सटेंस का, उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बताओ कैसे निकालते हैं, इंटू दिस वैल्यू ऊपर आ जाएगा करंट कितना पास किया, कितने टाइम के लिए करंट पास किया, कितना करंट पास किया और कितने समय के लिए वो करंट पास किया पता होगा, तो हम यहां से मास डिपॉजिट क्वांटिटी निकाल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन करके दिखाइए, मजा आएगा सर। अरे क्वेश्चन बहुत है बेटा, दिक्कत मत ले तू, ले बेटा क्वेश्चन ले तू, पहले तो क्वेश्चन ले। देखो ध्यान से, द वेट ऑफ सिल्वर, उसका मास भी दे रखा है, मोलर मास कितना, मोलर मास 108, डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेसेस 5600 ml of oxygen gas at STP. अच्छा, पहले मुझे ये नहीं बताया कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज मुझे कहीं और से निकालना पड़ेगा, सवाल अच्छा है वाला, मुझे इस प्रोसेस के थ्रू कुछ चार्ज निकालना पड़ेगा। अच्छा एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। और बेटा एसटीपी का मतलब क्या होता है कि एक मोल गैस को आप वहां यूज करेंगे, एसटीपी पे अगर आप मोलर वॉल्यूम की बात करते हैं तो एक मोल गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 22.4 लीटर हो जाएगा अपने पास, यानी कि वन मोल गैस अगर बोलते हैं एसटीपी के अंदर बेटा तो उसका मतलब हो जाएगा 22.4 लीटर गैस। कौन सी गैस है फिलहाल आपके पास, O2 गैस है, यानी कि इतनी इस O2 गैस के लिए आपके पास कुछ सवाल कुछ डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, कि आप ऑक्सीजन गैस को इतना ml डिस्प्लेस कर रहे हैं, डिपोजिट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा, कुछ चार्ज निकाला होगा,
तीन चार्ज आप यहां लगाएंगे सिल्वर के ऊपर तो उसका मास बताइए। अच्छा कितना किया आपने, आपने एक मोल नहीं किया, आपने कुछ कम किया, आपने इतना एमएल किया है, कितना एमएल किया, 5600 ml इतनी गैस आपने डिपॉजिट की है O2 की। ये कितना होता है वॉल्यूम में, कितना हो जाएगा 22400 ml। अच्छा यानी कि ये इसका मतलब है 2240 का मतलब है बेटा अपने पास एक मोल गैस। तो मुझे बताओ इतने ml में कितनी मोल गैस आ जाएगी, निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे सर, अगर निकाल लेंगे तो निकाल लो, मास बराबर ZIT, मास बराबर ZIT। वो कह रहे हैं कि जितने क्वांटिटी आपने यहां इस्तेमाल की लाइट की, सेम क्वांटिटी आप यहां इस्तेमाल करेंगे लाइट के लिए बेटा। तो हमने कितने क्वांटिटी यहां इस्तेमाल की लाइट की वो चेक करना पड़ेगा अपने को। तो कितना मास आपने डिपॉजिट करवाया है बताइए मुझे आप, कितना मास आपने डिपॉजिट करवाया पहले वो मुझे बताइए आप। तो 5600 ml का मतलब है बेटा, और आप ध्यान से देखेंगे इसका मतलब हो जाएगा एक मोल। हाँ सर, तो मुझे बताओ ये इसके चार गुना है कि नहीं बताओ, ध्यान से देखो ये इसके चार गुना है कि नहीं बताओ। चार गुना अगर ये इसके है तो इसका मतलब एक मोल में इतनी गैस है, इतने एमएल के लिए कितना मोल चाहिए होगा, 1/4 mole चाहिए होगा सर। समझ गया मैं, बिकॉज वॉल्यूम 4 times कम हो गई है तो अमाउंट भी 4 गुना कम हो जाएगा। अच्छा एक मोल में इतनी वॉल्यूम है तो 0.25 mole में इतनी वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम मतलब आपके पास मोल्स आ चुके हैं, और अगर मोल्स आ चुके हैं तो यहां से मास निकाल लोगे। बोलो हाँ है ना, आप निकालिए मास, तो मुझे मास बताओ अगर मोल्स पता है तो। सर मास आ जाएगा इतने मोल्स, और एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, 32 ग्राम हो जाएगी सर। अच्छा सॉल्व करें इसको। हाँ सर, 1/4 × 32 ग्राम, 4×8 = 32, 8 ग्राम गैस। यानी कि आपने 8 ग्राम O2 गैस डिस्प्लेस की है फाइनली। उसके लिए कुछ आपने खर्चा किया होगा, सेम खर्चा आप करेंगे सिल्वर के लिए, उसको कितना डिपॉजिट करेंगे ये सवाल है, समझे। अच्छा तो 8 ग्राम डिपॉजिट किया मैंने ऑक्सीजन गैस। जेड आ जाएगा आपके पास, जेड आ जाएगा मोलर मास ऑफ O2 गैस 32,96500 × Q, दैट इज चार्ज। आईटी मतलब क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्यू विल बी आईटी। अब बेटा आपने बात की है O2 गैस की, तो उसका VF 1 रहेगा, उसका वैलेंसी फैक्टर अपने पास 1 रहेगा, उसका वैलेंसी फैक्टर अपने पास 1 रहेगा। अच्छा ठीक है, या चेक करें कैसे चेक करेंगे, चेक करें कैसे चेक करेंगे आप, यहां देखो ध्यान से आप। O2 गैस को बेटा हो सकता है आपने क्या किया है? बताएंगे हमको क्या किया है, हम खुद अज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है आपने O2 गैस को रिड्यूस किया होगा, बिकॉज O2 फिलहाल किस में है, 0 में, रिड्यूस करेंगे वाटर बन जाएगा -2। पहले आपका ऑक्सीजन O2 में था, अब -2 में आ चुका है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 पे था, -2 में आ चुका है। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, चेंज बताइए चेंज। तो 0 से गया -2 में, 2 का चेंज है सर, 2 का चेंज है सर, 0 से गया -2 में, 2 का चेंज है, और कितने ऑक्सीजन है सर यहां पे, 2 ऑक्सीजन है, 4 विल बी द वैलेंसी फैक्टर हियर। बिकॉज मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि भाई O2 गैस को आपने डिस्प्लेस किया, मतलब हो सकता है आपने O2 गैस को रिड्यूस किया हो, बिकॉज ऑक्सीडेशन तो आप नहीं करेंगे इसका, ऑब्वियसली रिडक्शन ही करेंगे आप O2 गैस का, और उससे आप पानी बना सकते हैं बेसिकली। अच्छा, और पानी के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनती है, तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर 4 आ रहा है, ना कि 1, देख के करना पड़ेगा, × 4। अब क्या आ जाएगा, 8×4=32, ठीक है, 4 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो व्हाट इज चार्ज, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज आपने दिया है, अब सेम चार्ज आप देंगे सिल्वर के अंदर, और कितना सिल्वर डिपॉजिट करेंगे आप बताइए। तो आपके पास स्पेस नहीं बचा, अरे बेटा क्या बात कर रहे हो आप, बहुत जगह है, नहीं जगह है, अरे बहुत जगह है बेटा, कहां चिंता कर रहे हो। कल कितना सिल्वर डिपॉजिट हुआ, सिल्वर डिपॉजिट इज जेड इज मोलर मास 108, और सिल्वर का चार्ज बेटा हमेशा प्लस 1, सिल्वर का चार्ज हमेशा प्लस 1 होता है, सिल्वर का चार्ज हमेशा प्लस 1 होता है, मतलब उस पर वैलेंस फैक्टर हमेशा बनाएगा, सिल्वर का चार्ज हमेशा प्लस 1 का मतलब उस पर VF हमेशा बनाएगा, चिंता नहीं करनी आपको। अच्छा ये भी तो बच गया यहां पे,
अच्छा छोड़ दे क्या मैंने इस चीज को, 96500 मतलब कितना, हाँ वही आएगा ना 96500 कूलम्ब। हाँ देखो मिस कर दिया, यहां जाएगा नहीं, हाँ ठीक है इसकी वैल्यू आ गई बेटा 96500 इंटू क्यू, आई टी आएगा ना पीछे, पीछे आई टी आएगा, जेड आई टी, आई टी मतलब क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू फराडे के बराबर ही तो है। देखो कुछ आया, अरे बोलो भाई, हाँ कहीं मर गए हो देख के सवाल, 108 ऑप्शन है क्या अपने पास, हाँ सर डी ऑप्शन है आपके पास, जय हो भाई, पसीना आ गया क्वेश्चन करके यार, पर मजा आ गया, एग्जाम में आपका क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नहीं है भाई ये, ऐसे तो क्वेश्चन आजकल फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चन एकदम एनसीआईटी के आसपास है इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करवा दिया ताकि आपको सारी बातों का आइडिया हम मिल सके, ठीक है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो पीछे करके, पर समझ लीजिएगा ट्राई कर लीजिएगा, डन 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 डन, एक और करूं, हाँ सर एक और कर दू, चलो भैया सवाल खूब कराया मैंने इस वीडियो के अंदर बेटा, सवाल भर भर के कराया मैंने, कुछ छोड़ूंगा नहीं बेटा, इस वीडियो के बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं आपको, ये वीडियो एक बार अभी देख लीजिएगा, एक बार बोर्ड से पहले देख लीजिएगा, खत्म, बोर्ड में फुल मार्क्स गारंटी मेरी है बेटा, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो, बिकॉज मैंने ईमानदारी से काम किया है तो अगर आप भी ईमानदारी से काम करेंगे तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे ना, सवाल ही बनता है। कितना करंट पास किया, इतना सरकारी बिजली खर्च किया आपने, अच्छा करंट खर्च किया आपने 0.5 एम्पीयर, कितना सिल्वर नाइट्रेट बेटा, AgNO3 का सोल्यूशन है, ठीक है, टाइम कितना है 10 मिनट है, टाइम हमेशा लेना है सेकंड्स के अंदर, ये आ गया सेकंड्स, गुड, कितना मास डिपो, अरे सेम सवाल है ये तो यार, ओहो मोलर मास ये होता है, एजी प्लस मतलब वैलेंस इफेक्टर वन रहेगा हमेशा, सिल्वर का हमेशा वन रहेगा वैलेंस इफेक्टर, एजी प्लस वन चार्ज होता है उसका खाली, आई आई कितना है एम्पियर में होगा, टी कितना है 60 × 10, अरे भैया जी जय हो भैया जी, कुछ बचा नहीं, बचा निकाल दो आंसर, फिर नहीं बचा तो, अंडे से अंडा गया, अंडे से अंडा गया, 6×5 = 30 कितना आएगा 108, तुम तो मैथ्स के खिलाड़ी हो बेटा, तुम तो मैथ्स में खिलाड़ी हो, 8×5 = 30 पॉइंट हटा दो 3 आएगा 3.0, इसके बाद ये रहा आपका आंसर, इसके बाद आप जानो, आपके बोर्ड वाले एग्जामिनर जाने या कोई मैडम हो वो जाने भैया, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ समझ गए, डन। चलिए पर एक और करते हैं, आइए ये सवाल आपके एनसीईआरटी का सवाल है, सेम सवाल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इस पैटर्न पे आइए इसको देखते हैं, नंबर ऑफ फराडे रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल डाइक्रोमेट इंटू क्रोमेट आयन, अच्छा डाइक्रोमेट को आपको बेटा क्रोमियम आयन में आपको चेंज करना है अपने पास, कैसे करेंगे चेंज सर, Cr2O72- डी ब्लॉक थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तब आपको यहां क्लैरिटी मिल जाएगी, इसको डी ब्लॉक मिला के सवाल पूछा गया आपके पास, बिकॉज डी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे डायक्रोमेट की रिएक्शंस क्या होती है, अगर अभी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा रिएक्शन क्या होने वाली है, अच्छा बैलेंस करो सबसे पहले तो क्या होगा, या बैलेंस ना भी करो ऐसे निकाल लेंगे, तुम कहोगे तो ऐसे निकाल लेंगे, हाँ सर ऐसे निकाल दो, हाँ देखो कैसे निकालेंगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, +6 आएगा सर, +6 से +3 पे कितने का चेंज है, तो 6 से 3 का चेंज मतलब चेंज आएगा 3 का सर, डिफरेंस बताओ डिफरेंस कितना है, तो 6 से 3 का डिफरेंस 3 है सर, और कितने क्रोमियम है 2 है × 2 VF6 आएगा, आपका n फैक्टर कितना आएगा, वैलेंस फैक्टर कितना आएगा 6 आ जाएगा, ओहो शानदार, आपसे पूछे कितना फराडे चाहिए, कितना फराडे चाहिए ताकि 1 मोल अमाउंट कितना है 1 मोल एम बराबर जेड आई टी, कितना मोल है 1 मोल है, अच्छा 1 मोल अपने पास टू कन्वर्ट 1 मोल इंटू Cr+3 आयन अपने पास, जेड इज उसका अमाउंट कितना है मोलर मास के बराबर है, व्हाट इज VF6 है इंटू 96500 और फराडे मतलब आपसे चार्ज पूछा है तो चार्ज मतलब क्यू, आई टी विल बी क्यू चार्ज, व्हाट इज मोलर मास 1 मोल का मास, व्हाट इज मोलर मास 1 मोल का मास को ही मोलर मास कहते हैं, कटपिट कर दीजिए, काटा पीटी स्टार्ट कर दीजिए, क्यू
ये क्या होता है सर, ये होता है एक फ्राइडे का चार्ज, तो 6F आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। जी साहब, अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा तो ये तमाशा आपको पूरा करना है, कर देंगे तमाशा बढ़िया वाला, फुल मार्क्स। लेकिन अगर आप सीटी एग्जाम में देने एग्जाम जाएंगे तो सीटी के अंदर बेटा आपको तमाशा नहीं करना, ये तमाशा बोर्ड के लिए है, सीटी के लिए बेटा हम कुछ और करते हैं। ध्यान से देखिए आप, नंबर ऑफ फ्राइडे इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अच्छा, सीधा आ जाएगा, हाँ सीधा आ जाएगा, कितने मोल्स हैं, एक मोल है सवाल में, कितना VFH है, तो कितना 6 आ जाएगा, 6 फ्राइडे, नंबर ऑफ फ्राइडे कितना आ गया, 6 फ्राइडे आ गया, नंबर ऑफ फ्राइडे कितना आ गया, 6 फ्राइडे आ गया। ये है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के अप्रोच, और आपके हो सकता है सीबीएसई में किसी भी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तो आते हैं, हाँ आते हैं सर, तो वहां ऐसे कर दीजिएगा, और अगर क्वेश्चन आ जाए सब्जेक्टिव के अंदर तो पूरा तमाशा कर दीजिएगा बढ़िया तरीके से। दोनों बात बता दी हैं, अब आगे बढ़ते हैं भैया। चलो, अब फ्राइडे की आप खाट खड़ी कर दोगे, एक और करें, एक और कर लेते हैं भाई सवाल, मैंने कहा सवाल भर भर के लाया बेटा आपके लिए। नंबर ऑफ कूलम ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल MnO4, सेम सवाल है बेटा, MnO4 माइनस है, एक मोल कन्वर्ट करना है आपको Mn2 पॉजिटिव में, बताओ क्या होगा, सेम सवाल है। कितना आपसे पूछा है, कितना कूलम करंट, मतलब नंबर ऑफ फ्राइडे पूछा आपसे, चार्ज पूछा आपसे बेटा, चार्ज पूछा आपसे, निकाल लीजिए। मैग्नीस प्लस 7 में है सर, यहां मैग्नीस प्लस 2 में, चेंज बताइए सर, चेंज 5 का है और एक ही मैग्नीस है, तो 5 हमारा हो जाएगा एन फैक्टर। शॉर्टकट क्या कहता है, नंबर ऑफ फ्राइडे इज वन मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एक ही मोल है सर, नंबर ऑफ मोल्स सर एक ही मोल है। अच्छा, इंटू VF 5, तो आंसर आ गया 5 फ्राइडे। जय हो, चलिए भैया जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं, चलिए जिंदाबाद, ठीक है कर लोगे। तो फ्राइडे का मैं सारी बातें कर ली, फ्राइडे में पहली बात क्या की कि क्या बनने वाला है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इस पर सवाल आते हैं इसलिए बता रहा हूं, एक्वस NaCl, मोल्टन NaCl, एक्वस H2SO4, ये सारी बातें कुछ एग्जांपल्स मैंने नोट्स में दिए भी हुए हैं, उन नोट्स में सिर्फ आप कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ मैंने आपको अप्रोच यहां बताई, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन की ट्रेंड है बेटा वो न्यूमेरिकल आ रहे हैं आजकल, इसलिए आप देखो मैं न्यूमेरिकल पर काफी फोकस किया मैंने आपके लिए, देखिए आप न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल झोला भर के न्यूमेरिकल डाल दिया मैंने आपके लिए बेटा, ये देख लीजिए। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का काम समाप्त। क्या बच गया सर अभी, सेल्स एंड बैटरी बच गया, उसको भी लगे हाथ उड़ा दे, मतलब करा दू, चलिए बच्चा मजा आ रहा है, बोलो हाँ दोस्त ऐसा लगा। और कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इतना काफी है, क्या इससे काम चल जाएगा, तो भाई काफी या काम चलने वाली बात नहीं दू बेटा, बात होती है कि आप इस वीडियो किस पर्पज से देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा ये सोच के देखते हैं कि भाई मुझे एक रिवीजन करना है, मुझे एक वीढ़ियो में सारी बातें चाहिए, मुझे 2.5-3 घंटे में सारी बातें कवर करनी है, तो ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो है बेटा। बिकॉज जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं पर्सनली, उनको पता है कि मैं चीजों को छोड़ने में यकीन नहीं करता हूं, मैं ट्राई करता हूं पूरी बात आप तक बताई जाए जो कि एकदम आपके लिए रेलेवेंट हो, ठीक है। तो मैं रेलेवेंट बात को यहां करवाऊंगा, रेलेवेंट टॉपिक को यहां करवाऊंगा जो आपकी बोर्ड की डिमांड है, क्योंकि हम अभी एडवांस या मेडिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ अभी पहले बोर्ड में फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं, बिल्कुल 70/70 केमिस्ट्री में उनको चाहिए बच्चों, अगर वहां 70 आएंगे तो आई सपोज कि आपको उसके बाद जेई में या मेडिकल में भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो, ठीक है बच्चों। चलिए आइए सेल्स एंड बैटरी बेटा, अब सेल्स बैटरी बच्चा छोड़ के भाग जाता है कि सर ये तो नहीं कराया, ये तो नहीं कराते कोई, ये तो सर एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, सिलेबस चेक कर लीजिए, एग्जाम में मेंशन कर रखा है सेल्स एंड बैटरी, बात करते हैं आइए ब्रीफ में इसकी बात करेंगे बेटा। सेल्स और बैटरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, थर्ड हम पढ़ेंगे फ्यूल सेल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, लेकिन भैया रुको, पहले क्या होता है सर, व्हाट इज बैटरी, सेल होता है कौन सा, गैल्वेनिक सेल पढ़ा आपने, ये जो सेल हम पढ़ने वाले यार दे आर गैल्वेनिक इन नेचर, कोई खास नहीं है। एंड बैटरीज जब दो या दो से अधिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, जब दो या दो से अधिक सेल को सीरीज में जोड़ देंगे आपस में, तो वो बैटरी बन जाएगा, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, सेल बोल लीजिए बैटरी बोल लीजिए, बैटरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अच्छा
अब सेल दो टाइप के होते हैं बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा आपके लिए प्राइमरी सेल, वो सेल जो एक बार यूज किए खत्म, यूज एंड थ्रो, अच्छा नॉट रिचार्जेबल, यूज कीजिए और थ्रो कीजिए। जैसे आपका बटन सेल हो गया, घड़ी में डालते ना बटन सेल होता है अपने पास, या आप यूज करते हैं ड्राई सेल, बेसिकली टोर्च वाले सेल, टोर्च देखा ना जो पुराने जमाने में टोर्च होती, टोर्च उस टोर्च में डालते थे मोटे मोटे सेल, वो वाले, हाँ वो मोटे वाले सेल जिसमें स्टील का कवर होता था, वो वाले टोर्च की बात कर रहा हूं मैं, तो खैरानी बंद हो गई होगी शायद। उस जमाने में जो टोर्च इस्तेमाल करते थे वहां ड्राई सेल हम उसमें डालते थे, तो वो सब एक बार इस्तेमाल करोगे, लाइफ होती है उन सेल की, उनकी लाइफ खत्म, सेल भी खत्म, फेंक दीजिएगा फिर आप। लेकिन भाई अभी फेंकोगे वेस्ट हो जाएगा सर, क्यों ना दोबारा रिचार्ज कर लिया जाए। हाँ तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसको हम चार्ज रिचार्ज तमाशा करते रहते हैं, उनको बोलते हैं रिचार्जेबल सेल, चार्ज कीजिए फिर यूज कीजिए, डिस्चार्ज हो जाएगा फिर रिचार्ज कर लीजिएगा। इसमें मेन एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी, जिसको हम पढ़ने वाले, इसके हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब लेड स्टोरेज बैटरी बेटा हम जानते हैं इस बात को, कहां से जानते हो, ये लेड स्टोरेज बैटरी बेटा हम यूज करते हैं जब हमारी घर की सरकारी बिजली खत्म हो जाती है, जब घर में सरकारी लाइट आनी बंद हो जाती है तो पावर बैकअप के रूप में आप यूज करते हैं किसको, लेड स्टोरेज बैटरी को। अगर आपके घर में किसी मोमेंट पे सरकारी बिजली बंद हो जाएगी तो आप यूज करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी को, ठीक है बच्चों। चलिए कैसे यूज करेंगे बताऊंगा अभी, फिर बात करेंगे बेटा फ्यूल सेल के बारे में, आइए। ओके ये है बेटा आपका ड्राई सेल, ये है बेटा आपका पहला प्राइमरी बैटरी के अंदर ड्राई सेल अपने पास, जिसके अंदर एनोड में यूज करते हैं जिंक, और कैथोड में बेटा हम यूज करते हैं अमोनियम सोल्ट, अमोनियम क्लोराइड, बेसिकली ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है। डोंट वरी, एग्जाम में आपको डायग्राम ड्रॉ करना नहीं आना है, ना कभी आता है, बस एक बार चेक कर लीजिए कि इसके अंदर व्हाट विल बी द पेस्ट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलाइट, जो सारी बातें हैं। तो इसमें जिंक यूज करेंगे एट एनोड, और यूज करेंगे अमोनियम का सोल्ट, दैट इज अमोनियम क्लोराइड प्लस MnO2 का पेस्ट एट कैथोड। ये सेल बहुत अच्छा है, लेकिन इस सेल में आप यूज कर रहे हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन, तो ये सेल रखे रखे खराब हो जाता है, फूल जाता है इसकी बैटरी, तो इसका वोल्टेज कम हो जाता है, बेसिकली इसका सेल खराब होने का मतलब सेल लीक करना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज लिक्विड है तो वो सॉल्यूशन लीक करना स्टार्ट हो जाएगा, और लीक करेगा तो सेल मोटा है, फट जाता है बेसिकली वो। अब देखा होगा हम बैटरी के अंदर जो पुराने सेल होते थे मोटे मोटे वाले, वो रखे रखे खराब हो जाते हैं, तो वो यही तो है ड्राई सेल अपने पास, बिकॉज इनके अंदर आपके पास एक्वस आयंस इन्वॉल्व है, और एक्वस आयन इन्वॉल्व रहेंगे तो वो कहने के लीक होना स्टार्ट हो सकते हैं और वो कंडीशन को खराब कर सकते हैं, तो विद द टाइम इनका वोल्टेज कम होता रहता है, एग्जाम का सवाल है। बस इतना ही था इसमें, बस। अच्छा अब कुछ बातें पहले मैं आपको और बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें पहले हम आपको मैं और सिखाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। आइए पहले कुछ बातें अब यहां देख लीजिए आप, हाँ यहां देखो बच्चों, किसके बारे में, दो तीन इंपोर्टेंट सेल के बारे में बात करते हैं बेटा, दो तीन सेल के बारे में बात करते हैं। पहला सेल अपने पास ड्राई सेल तो हो गया, दूसरा है मर्करी सेल, जिसको हम बोलते हैं बटन सेल, उसको हम बटन सेल बोल लेते हैं, बिकॉज ये बटन में वॉचेस में जो घड़ी है वहां यूज करते हैं अपने पास, या जो ईयरफोन होते हैं वहां भी हम इसको यूज कर रहे होते हैं बेसिकली, अगेन यूज एंड थ्रो सेल अपने पास रहेंगे। लेकिन इस सेल के बारे में बस एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस सेल का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, क्या बोला मैंने, इस सेल का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, इसकी रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ने की, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आपको ये बात पता होना चाहिए कि सेल का वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी एक्वस आयन, कोई भी गैसियस आयन इस्तेमाल नहीं करते, सो इट इज अ फिक्स्ड वोल्टेज, एग्जाम्पल इज मर्करी सेल, दैट्स इट, इतनी ही बातें पता होनी चाहिए बस, ज्यादा घुसोगे फायदा नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है। अब जो एग्जाम में आएगा, ओ भैया, लेड स्टोरेज बैटरी, सिलेबस मेंशन भी कर रखा है आपके सिलेबस के अंदर, लेड स्टोरेज बैटरी, या इसको बोलते हैं लेड एसिड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड एक्यूमुलेटर, इसका नाम ये भी है बेटा एक्यूमुलेटर, और सीबीएसई ने अपने सिलेबस के अंदर यही नाम मेंशन कर रखा है एक्यूमुलेटर। बच्चे सर ये क्या है, बैटरी का नाम है भाई, लेड स्टोरेज बैटरी को ही बोलते हैं अपने पास। सबसे पहले बेटा इसके अंदर क्या होता है, बेटा एनोड बना होता है,
सेल है तो एनोड कैथोड क्या होगा पता करना पड़ता है। एनोड बनता है बेटा लेड की कोटिंग से, कैथोड बनता है बेटा आपका लेड कोटेड विथ PbO2, यानी कि PbO2 लेड ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, लेड कोटेड विथ PbO2 इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। लेड स्टोरेज बैटरी वही है जो आप घर पे इन्वर्टर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर है ना घर पे बैकअप के लिए, वो है बेसिकली। और हम इसमें डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा घर में क्या डालते हैं बेटा कि बैटरी खत्म हो गई है पिताजी क्या करें पानी भर दो, वो पानी कौन सा होता है गंगा जल होता है, नहीं एसिड होता है। आपको कौन सा एसिड की बात कर रहे हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूं तेजाब 38%। अच्छा तो ये एनोड है, ये कैथोड पर PbO2 है, और व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, एस्टोसोफोर इज द इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा रिएक्शंस क्या होंगे सर, आइए भैया वही तो एग्जाम में आती हैं, रट लो मेरे साथ। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे सर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है बस खत्म, पीबी ऑक्सीडेशन कैसे कराओगे, पीबी प्लस आएगा सल्फेट वो भी तो है मुफ्त का, क्या बनेगा पीबी प्लस टू बनेगा सर, पीबी से बनेगा पीबी प्लस टू, और पीबी प्लस टू के साथ क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म PbSO4 विच इज सॉलिड, पानी में डिजोल्व नहीं होता, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा हाँ लेड का ऑक्सीडेशन कर दिया एट एनोड, एट कैथोड क्या होगा भाई, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स खाए जाते हैं, कौन खाएगा PbO2 खाएगा, बहुत कुछ खाएगा ये तो, सल्फेट भी है एच प्लस भी आ जाएंगे मार्केट के अंदर, इस बार इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे मार्केट के अंदर, दोबारा से बनेगा लेड सल्फेट, अगेन पानी में इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल पानी के अंदर बिकॉज इट फॉर्म्स व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस वाटर बना लीजिएगा बैलेंस करते हुए। अच्छा व्हाट इज द फुल सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल की रिएक्शन क्या होगी मुन्ना बताओ क्या होगी सर, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स काट दीजिए, हाँ वो तो कट गए भैया और कुछ बता काम की बात, बस सर बाकी नहीं पता मुझे, पीबी प्लस PbO2 प्लस सल्फेट, सल्फेट आ रहे हैं हाँ सर, दो सल्फेट हैं चार एच प्लस हैं, एच प्लस और सल्फेट क्या बनाएगा H2SO4 बना लेंगे सर, अच्छा कितने 2H2SO4 बनेंगे सर, चार एच प्लस हैं दो सल्फेट हैं, फिर क्या बनेगा यहां पे दो PbSO4 बनेगा सर, प्लस पानी वानी जो भी आप बनाए उसको बैलेंस कर लीजिएगा इस तरफ। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बिकॉज सेल रिवर्सिबल है, अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो रिएक्शन आगे जाएगी, अगर सेल रिचार्ज हो रहा है तो रिएक्शन पीछे आएगी, अगर घर में सरकारी बिजली नहीं है तो आपका एसिड कंज्यूम हो रहा है खत्म हो रहा है बिकॉज आपका सेल उस टाइम पे डिस्चार्ज हो रहा है भाई, जैसे ही सरकारी बिजली आएगी घर के बिजली आते ही रिएक्शन वापस पीछे आ जाएगी और आपकी बैटरी रिचार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, देख लीजिए आप। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन एंड ड्यूरिंग रिचार्जिंग इट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, तो इट इज रिवर्सिबल सेल, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी, मतलब रिचार्जेबल है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ये रिएक्शन रहेगी फॉरवर्ड वाली, ड्यूरिंग रिचार्ज इट इज द बैकवर्ड रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। याद हो गया, आई सपोज याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है पहले बता रहा हूं, बाकी सारी बातें हटा दीजिए, इसको पहले याद कर लीजिएगा। निकल कैडमियम छोड़ो, सब नहीं आता एग्जाम में, निकल कैडमियम क्या होता है फालतू बातें, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे वो, ना को पूछता आपसे, इसको याद कीजिए पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है, इट इज वेरी मच। वो सारे सवाल आप याद कर लीजिएगा अगर समय बचे तो, नोट रिक्वायर्ड पहले बता रहा हूं, और आपकी दिली तमन्ना के लिए बता रहा हूं, नोट रिक्वायर्ड। अब बात करते हैं फ्यूल सेल के बारे में, फ्यूल सेल क्या होता है सर, कुछ नहीं भाई, फ्यूल सेल पहले जमाने में नासा इनको यूज करता था रॉकेट्स के अंदर, रॉकेट्स में इन फ्यूल सेल्स को यूज करते हैं एज अ फ्यूल बेसिकली, बिकॉज रॉकेट में ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल भर के ले जाएंगे कि लोग पेट्रोल भर दीजिए चल पड़ते हो, नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो हमें उस रॉकेट्स के अंदर पहले जमाने में हम कुछ फ्यूल को फ्यूल सेल्स के अंदर एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते थे पहले जमाने में, अब तो नहीं, अब तो चीजें बदल गई अपने पास, अब तो आपका चंद्रयान 3 आ चुका है तो चंद्रयान के अंदर चीजें बदल चुकी हैं, काफी अच्छा हो चुका है अपने पास वो, ठीक है, काफी पॉजिटिव हो चुका है अपने पास, ठीक है। आई सपोज आपको पता होगी अभी चंद्रयान क्या है,
और इंडिया ने रिसेंटली मून पे भेजा है अपने पास, ठीक है, तो उसी की बात कर रहा हूं। इसमें क्या रहेगा? कुछ नहीं है, हमको पहला पढ़ना है बेटा H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक तरफ H2 है, एक तरफ O2 गैस है, एक तरफ H2 गैस पास करेंगे, एक तरफ O2 गैस पास करेंगे, और बीच में रहेगा आपका एक्वस KOH का पेस्ट। अच्छा, ये रहा आपका पेस्ट ऑफ KOH, एनोड पे आ रहा है आपका H2, कैथोड पे आपका आएगा O2। O2 गैस एट कैथोड क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। H2 गैस एट एनोड क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज हो जाएगी। सर क्या हुआ? H2 का ऑक्सीडेशन से बनेगा वाटर, O2 के रिडक्शन से बनेगा आपके पास OH माइनस। बैलेंस कर लीजिएगा H2 O2 2H2, खत्म बात। ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? बिकॉज इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है वो वाटर अपने पास, सो इट इज वेरी प्योर और पॉल्यूशन फैलाता भी नहीं है, बिकॉज वाटर इज द बाय प्रोडक्ट। इसके जलने से, इस फ्यूल सेल के चलने से वाटर मिलने वाला आपको, विच इज अ बाय प्रोडक्ट, उससे हमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो एग्जाम में सिंपल रिएक्शन याद करनी है आपको कि एट कैथोड एट एनोड क्या होगी एंड व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज एच टू प्लस ओ टू दैट इज टू एच टू। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, होता तो मैं इस पर और फोकस करता। अब आ जाए लास्ट पार्ट आपका, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कोरोजन, जंग लग जाना। कोरोजन मतलब रस्टिंग हो जाना। कोरोजन मतलब बेटा होता है कि आप किसी मेटल सरफेस पे किसी लेयर का आ जाना, ऑक्साइड लेयर, सल्फाइड लेयर, कार्बोनेट लेयर बन जाना। अच्छा, और अगर रस्टिंग की बात करें तो रस्टिंग होती है स्पेशली आयरन ऑब्जेक्ट की, लोहे के अंदर अगर कोरोजन होती है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग बेटा। सो द कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज रस्टिंग। डेफिनेशन क्या है बेटा? कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो रस्ट क्या होता है अपने पास, जंग क्या होता है, कैसे होता है, उसकी बात थोड़ी सी हम करने वाले, ध्यान दीजिएगा। अच्छा चलो सर, बढ़िया मजा आएगा इसमें। तो ये क्या है सर? बड़ा आसान है, अभी समझाता हूं मैं। रिएक्शन क्या होती है बेटा? एट एनोड रिएक्शन क्या हो रही होती है बेटा? आपका एफी डिकम्पोज होता है और बनाता है एफी टू पॉजिटिव और फेंकेगा बाहर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा हाँ, यानी कि ये भी ऐसा सेल काम करता है, समझ गए? ये जो रस्टिंग होती है ये भी ऐसा सेल की साइकिल में काम करती है, बिकॉज यहां पे भी रिएक्शंस हो रही है, कोने को रिएक्शन काम कर रहे हैं, तो कोने को एनोड कोने को कैथोड रहता है इसके अंदर भी देखने के लिए। कैथोड क्या रहेगा बेटा उसके रिस्पेक्ट में? आपका बेटा कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमारा सर रिडक्शन हुआ करता है। रिडक्शन किसका होगा? O2 का। बैलेंस कर लीजिएगा, H+ आ जाएगा। अच्छा, या तो आप इसको हाफ हटा ही लो, बैलेंस ऐसी हो जाएगा 4H+, तो यहां जाएगा 2 आ जाएगा आपके पास। O2 का आपने किया रिडक्शन, H2O बन गया, Fe से बना Fe2 पॉजिटिव। यानी कि रिएक्शन के अंदर क्या मिल रहा है बेटा? ओवरऑल रिएक्शन के अंदर आपको मिल रहा है बेटा, आपको मिल रहा है बेटा Fe2 पॉजिटिव ओवरऑल। अच्छा, और ये Fe2 पॉजिटिव अब यहां से काम खराब करता है कैसे? ये Fe2 पॉजिटिव हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करता है, और हवा में आपको पता है H+ का सोर्स भी तो है, CO2 गैस क्या होती है? CO2 गैस इज एसिडिक इन नेचर, तो CO2 गैस है जो कि एसिडिक है, पानी है, मॉइस्चर है, तो बन जाता है H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड, और वहां से आपको H+ मिल जाता है। अच्छा, उतना नहीं एग्जाम में वो सब बातें लिखनी, एग्जाम में सिर्फ ये बात लिख के आनी, वो सब बातें सुनने समझने में अच्छी लगती है अपने पास, वो सब बातें सिर्फ बोलने के लिए हैं, एग्जाम लिखने के लिए नहीं है। एग्जाम में ये लिख के आना आपको जो मैं लिख रहा हूं, बस वो पूछे व्हाट इज रस्टिंग, तो आपको ये दो इक्वेशन और ये वाली बात लिख के आनी, इसको बोलते हैं रस्ट, जंग लग गया। जंग क्या होता है? ये है जंग, रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का आपको नजर आता है, आपने देखा होगा ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है बेसिकली। और दिक्कत की बात कर रहे हैं लोहे में रस्टिंग का इशू क्या है कि रस्ट जो होता है, रस्ट इज पोरस इन नेचर, रस्ट हमारा पोरस होता है, यानी कि फर्दर रस्टिंग होती रहती है। मान लो मुझ पर जंग लग गया, वो जंग जो लगा है ना बेटा वो भी पोरस है, तो अंदर और घाव हो जाएगा मेरे अंदर। बाकी मेटल्स में क्या होता है, एल्यूमिनियम में, क्रोमियम में रस्टिंग होती है, उनके अंदर भी कोरोजन होता है, लेकिन ऊपर एक लेयर बन जाती है कोरोजन की, रस्ट की मान लीजिए, पर वो लेयर नॉन पोरस होती है,
ताकि फर्दर रस्टिंग ना हो सके। लेकिन लोहे में ऐसा नहीं है, लोहे का जो पोरस जो लेयर बनती है वो खुद भी पोरस होती है, तो फर्दर अंदर तक रस्टिंग हो जाती है, लोहा गल जाता है पूरा आपका, तो इसको बोलते हैं रस्ट। ये आपकी इक्वेशन है, दैट्स इट, ये बात पता होनी चाहिए। नाउ छोटी सी बात और है, अब जंग लग गया तो कैसे बचा ऐसे जंग को लगने से, कैसे बचाएंगे तो क्या मतलब, ठीक है लेकिन कुछ बातें कर सकते हैं भाई, पेंट कर दीजिएगा, पेंटिंग कर लीजिएगा, कुछ फिजिकल मेथड है पेंट कर दो, चूना लगा दो, वो भी कर सकते हैं, बाय एनोड बाय कैथोडिक प्रोटेक्शन बेटा, यस ऐसे भी कर सकते हो बेटा कि लोहे को बचाना है तो किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को मरने दो, लोहे की शिप है तो नीचे जिंक या मैग्नीशियम की कोटिंग कर देते हैं, वो जिंक और मैग्नीशियम लोहे से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो लोहे को मारने से पहले वो जो एलिमेंट नेचर के हैं वो पहले जिंक और मैग्नीशियम पे अटैक करेंगे, वो खत्म हो जाएगा, लोहा बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस कर दिया एनोड ने, सेक्रीफिशियल एनोड। ये हम यूज कर सकते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, सिमिलरली अगेन आप किसी कैथोड पे किसी सब्सटेंस को एज अ लेयर लपेट सकते हैं, आपका अगेन आपका एफ ई बच जाएगा। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं, ये आप यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट योर कोरोशन। इन सीबीएसई एग्जाम में आपको कोरोशन क्या ये पूछा जाएगा, एप्लीकेशन दो बातें पूछी जाएंगी, इसके अंदर क्या होता है उतना मत जाना आप, बिकॉज बहुत सारी बातें इसमें और भी हैं, व्हाट इज गैल्वनाइजेशन, उसमें जिंक यूज करते हैं, तो बेसिक बेसिक बात है, उसके रिएक्शंस आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर, बोर्ड में उसके रिएक्शंस नहीं है, वो सारी बातें जी एडवांस में आती है, मेडिकल में आती है, नॉट इन बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए वो बड़ी बात है, ठीक है। तो फ्रॉम माई साइड दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इज ओवर, ठीक है। आई सपोज कि आपको भी ये सारी बातें, ये सारी चैप्टर में जो मैंने बातें की हैं आपको पसंद आई होंगी, अच्छा लगा होगा, नहीं आया तो मैं क्या करूं, वो आपकी हेडेक है, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा भाई, आपको सही लगे तो फायदा रहेगा आपका, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई, चलो निकलते हैं, थैंक यू, बाय।